यस पीपल गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू कैसे है सब लोग so, आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे मैं बता दू मैं भी बहुत अच्छा हूँ तो चलिए हमने हाउस प्रॉपर्टी पढ़ना चालू किया था और हाउस प्रॉपर्टी में अभी तक क्या क्या पड़ा उसको अपन समझने की कोशिश करते हैं ऑल पीपल पे अटेंशन जो जो हमारे ऑनलाइन वाले प्यारे प्यारे बच्चे हैं भाई साहब राम राम जी या गुड मॉर्निंग हर्षित प्रियांशी अरविंद रिद्धि सयन ज्ञानेंद्र ज्ञानेंद्र का नाम ही ज्ञान है देखो ज्ञानेंद्र चलिए फैजान भाई भी आगे वंश आदित्य अनिश कशिश प्रीति संकेत फैजान भाई दिव्या भाई लिखते रहते हैं जब तक उनको ना बोलो नाम तब तक वो लिखता रहेगा चलिए तो एक बार क्विकली रिवाइज कर देते हैं जो हमने कल तक पढ़ा था वो और उसके आगे फिर पढ़ना चालू करेंगे तो जैसा कि कल हमने पढ़ा था हाउस प्रॉपर्टी चालू किया था परसों चालू किया था थोड़े लास्ट वाले पार्ट में कल हमने पढ़ा आज हम पढ़ेंगे एक चीज ध्यान रखना इसकी जो चार्जिंग सेक्शन है वो सेक्शन ट्वेंटी टू अब छुप बैठोगे या नहीं बैठोगे फेस टू फेस वाले बच्चों बैठने का क्या लोगे छुट्टी लोगे कल दे देंगे ठीक है 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 तो तो अब बैठो तो एक बात समझना सेक्शन सेक्शन वो चार्जिंग वो ये बोलती है कि आपकी जो रेंटल इनकम है वो रेंटल इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में तब जाएगी जब दो कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए पहली कंडीशन हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए और दूसरी कंडीशन उसका क्या होना चाहिए ओनर होना चाहिए हाउस प्रॉपर्टी का मतलब होता है बिल्डिंग एंड लैंड बिल्डिंग अगर कोई बिल्डिंग है, है, है तो, उसको बोलेंगे, अगर आपने कोई का भाड़ा आया, तो वो तुम्हारे पीजीबीपी या आया में जाएगा अगर कोई बिल्डर है बिल्डर ने प्रॉपर्टी बेचा तो पीजीबीपी तो में जाएगा बट बिल्डर ने प्रॉपर्टी भाड़े पे दिया तो वो तुम्हारे हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा अब टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी कितनी होती है तो दो तरह की हाउस प्रॉपर्टी होती है वन वन इज इज द एलओपी द एसओपी एलओपी का मतलब होता है लेट आउट प्रॉपर्टी एसओपी का मतलब होता है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी अगर एलओपी है तो इट्स ऑलवेज टैक्सेबल क्योंकि वो रेंट कमा के दे रही होगी हमेशा टैक्सेबल होगा एसओपी में दो पार्ट अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी आप अपने बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज करते हो तो तो बेटा आपको इग्नोर करना है कि वो ऑलरेडी बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम कमा के दे रही होगी लेकिन सेल्फ ऑफ्यूपाइड प्रॉपर्टी आप अगर रेसिडेंस के लिए यूज करते हो तो दो एसओपी होती है मिस दो एसओपी पे आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा वो एक्सेंट होगी लेकिन दो से ज्यादा अगर घर है रहने के लिए यूज कर रहे हो तो दो एसओपी तो एक्ज होती है दो के ऊपर वाली जितनी भी एसओपी रहेगी उसको हम डीएलओपी मानेंगे डीएलओपी का फुल फॉर्म क्या होता है डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी और वो फुल्ली टैक्सेबल होती है अब एक बात समझना हाउस प्रॉपर्टी हेड में इनकम कैसे निकालने का है तो उसका एक फॉर्मेट है सबसे पहले आपको लेना है म्यूनिसिपल वैल्यू क्या लेना है म्यूनिसिपल वैल्यू वैल्यू को कंपेयर करोगे फेयर रेंट से विच इज हायर और उसको कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड रेंट से विच इज लोअर इसको बोलेंगे एक्सपेक्टेड रेंट एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट को कंपेयर करोगे विच इज हायर ग्रॉस ग्रॉस वैल्यू वैल्यू आ जाएगा। में से आप म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड लेस करोगे आपको नेट एनुअल वैल्यू मिलेगा और उसमें से दो चीजें लेस होती है एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन थर्टी परसेंट लेना है सीधा एनएवी का और दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन तो आपको हाउस प्रॉपर्टी की इनकम मिल जाएगी

स्टैंडर्ड रेंट है एक रेंट कंट्रोल एक्ट होता है किसी किसी स्टेट में और वो रेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाब से मैक्सिमम रेंट कितना हो सकता है दैट इज स्टैंडर्ड रेंट एक्चुअल रेंट का मतलब होता है रेंट रिसीव्ड प्लस रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज्ड रेंट एक चीज समझना अनरियलाइज्ड रेंट लेस होता है अगर रूल्स 4 की कितनी कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए चार सबसे पहला टेनेंसी क्या होनी चाहिए बोनाफाइड

क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था म्युनिसिपल टैक्सेस अगर पे किया तो अलाउ होगा नहीं किया तो नहीं होगा जब करोगे तब होगा और म्यूनिसिपल टैक्सेस अगर ओनर ने पे किया तो ही अलाउ होता है टेनेंट ने पे किया तो अलाउ नहीं होगा म्यूनिसिपल टैक्सेस अगर आपको परसेंटेज फॉर्म में दे रखा है तो आपको किसका लेना है वो वर्ष म्युनिसिपल वैल्यू का लेना है उसके बाद हमने देखा था कि भैया आपका थर्टी परसेंट एन का सीधा डिडक्शन ले लो क्योंकि बाकी सब खर्चे अलाउ नहीं होते जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया का, पे किया किया प्रॉपर्टी का का सोसाइटी चार्जेस 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 इलेक्ट्रिसिटी वाटर ये सब अलाउ नहीं होता इसके लिए इन्होंने थर्टी परसेंट स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दिया उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन की बात होती है तो इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउ होता है या नहीं तो इंटरेस्ट ऑन लोन तब अलाउ होगा जब आपने लोन लिया है वो हाउस प्रॉपर्टी पर्पज के लिए लिया है या तो हाउस प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हाउस प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए हाउस प्रॉपर्टी के रिपेयर के लिए हाउस प्रॉपर्टी के रिनोवेशन के लिए अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी के लिए लोन 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 लिया 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 है लोन लिया है है किससे तो लोन आपने जो लिया है, वो बैंक से लिया है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है या किसी भी पर्सन से लिया तो चलेगा इंटरेस्ट है वो अक्रूअल बेसिस पे अलाउ होगा मीन जितना इंटरेस्ट है उतना इंटरेस्ट है वो अलाउ हो जाएगा भले आपने पे किया है या नहीं किया उससे फर्क नहीं पड़ता जो इंटरेस्ट है ना उसका लिमिट होता है सर लिमिट कितना है तो देखो एलओपी और डीएलओपी के के केस केस में में आपका कोई भी भी लिमिट नहीं है LOP, के में है एलओपी डीएलओपी कितना इंटरेस्ट वो पूरा अलाउ हो जाएगा लेकिन एसओपी के केस में लिमिट है और लिमिट कितना है आपका स्पेशल केस और जनरल केस स्पेशल केस में क्या है लोन आपने वन या उसके बाद में लिया है दूसरा आपने लोन इज टेकन फॉर द परचेज या कंस्ट्रक्शन के लिए एंड इफ लोन इज टेकन फॉर कंस्ट्रक्शनशियल इन विच लोन वॉज टेकन अगर यह तीनों में आता है तो उस पर्टिकुलर केस में आपको मैगजिम दो लाख का इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा अदरवाइज आपको मैक्सिम थर्टी थाउजेंड के इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा अब एक बात समझना अगर आपने नया लोन लिया पुराने लोन को रीपे करने के लिए और पुराना लोन हाउस प्रॉपर्टी के लिए लिया था तो नए लोन का जो इंटरेस्ट है वो भी अलाउ हो जाएगा अगर इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट लगा जिसको पेनल्टी इंटरेस्ट बोलते हैं है, बाहर, बाहर आपने टी तो आपने एस नहीं काटा तो उस पर्टिकुलर केस में आपका वो इंटरेस्ट है वो अलाउ नहीं होगा इतना अपना कल हुआ था और उसके बाद अपन ने क्वेश्चन भी किया था अनिरुद्ध वाला क्वेश्चन नंबर सेवन करके राइट right? चलिए तो आपके जो इंटरेस्ट ऑन लोन जो आपने लिखा था आई थिंक दैट वॉज लास्ट पॉइंट था अदर एक्सपेंसिज लास्ट पॉइंट था कौन सा था एच पॉइंट था हा अब एक बात बताओ इसके आगे आज हम पढ़ेंगे आज हम इसके आगे पढ़ेंगे तो सब लोगों का ध्यान इधर होना चाहिए और मैं सबसे पहले आज एक कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूं दैट इज सा लास्ट पॉइंट एच था एच के बाद क्या आता है आई था लास्ट ए बी सी डी एफ जी एच एच के बाद क्या आता है आई तो एच के बाद आता है आई और आई की हेडिंग दे दीजिए प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट और मैं आपको बताऊं ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना ये हाउस प्रॉपर्टी में थोड़ा बच्चों को डिफिकल्ट जाता है करके ठीक है तो ये क्या है कैसे है वो मैं आपको समझाऊंगा दूसरी चीज एक ध्यान रखना कि पहला टॉपिक अपना कुछ पार्ट बाकी है तो अगर आप मॉड्यूल से देखते हो तो पहले टॉपिक के अगर आप क्वेश्चन कुछ मॉड्यूल से देखोगे तो कुछ क्वेश्चंस करने बाकी है बिकॉज वो 115 बीएससी से रिलेटेड है एज वेल एज द वहां पे कुछ कैपिटल गेन से रिलेटेड है तो वो क्वेश्चन और वो कॉन्सेप्ट में बाद में लूंगा जैसे ही कैपिटल गेन कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ क्योंकि नई नई बुक आई होगी एकदम फ्रेश फ्रेश उसमें से स्मेल आ रही होगी करके ठीक है तो आपको लग रहा होगा कि चलो उसमें से घुमा के देखते हैं तो उसमें से फर्स्ट टॉपिक में से ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट हो चुका है कुछ कॉन्सेप्ट बाकी है तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है अभी आप नहीं देखोगे तो भी चलेगा करके ठीक है फर्स्ट टॉपिक के क्वेश्चन अभी आप नहीं देखोगे तो भी चलेगा कब देखने हैं क्या देखने हैं मैं आपको बता दूंगा चलिए अब अपन बात कर रहे थे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट क्या होता है उसका अपन एक एग्जांपल लेते बेटा तुम्हारा नाम क्या तुम रोज लेट आती हो नाम क्या तुम्हारा नाम बता के जाओ आकांक्षा, बहुत आकांक्षा है उनको ठीक है और भैया तुम्हारा नाम क्या है जयदीप तनिष कहा जाते हो तुम मतलब कुछ ऐसा ब्रेकफास्ट करने जाते हो चाय पीने जाते हो ब्रेकफास्ट करने जाते हो अब तुम तो गए कल से दूर दूर बैठना चालू कर दो <laughs> ठीक है और फिर फोन पे मेरे को गालियां देना एक दूसरे से बात करते टाइम कि ये बंदे ने क्या ही करवा दिया इतने दिन से तुम मेरे लिए जगह रखते थे जल्दी आके सुबह छह बजे आके मैं बताऊं तुमको ये सब जब तक तुम्हारा सी ए इंटरमीडिएट नहीं होता तब तक ये रिलेशनशिप और दूसरों के डाउट सॉल्व करना और लड़कियों के डाउट सॉल्व करना बिल्कुल नहीं आप देखोगे पॉइंट में भी यहाँ लाइब्रेरी वगैरह रहेगी वो लाइब्रेरी के बाहर या लाइब्रेरी में या स्टेप पे देखोगे हर कहीं ना कहीं ऐसा दिखेगा जब एक लड़का एक लड़की को पढ़ा रहा होता है एक लड़का एक लड़की को पढ़ा रहा होता है और वो लड़की पास हो जाती है और अगली बार वो लड़का किसी और लड़की को पढ़ा रहा होता है So, हम बात कर रहे थे ऑनलाइन वाले बच्चों प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट तो जैसे अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं हमारा जो एक बंदा है जिसका नाम है तनिष करके राइट तनिश तनिष तो एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर तनिष ये तनिष करके बंदा है तनिष ही नाम है हा ये बंदा है अब आप चीजों को समझना तनिष ने सोचा कि हम एक घर बनाएंगे क्या बनाएंगे घर तो तनिष घर बनाने वाला है हमारा एक सपना घरों अपना करके ठीक है तनिष का और आकांक्षा का दोनों का सपना और दोनों ने बोला दोनों ने बोला क्या हम तो एक घर बनाएंगे घर बसाने की बात नहीं कर रहा हूं घर बनाने की बात कर रहा हूं तो तनिष ने क्या किया ए भाई प्लीज तनिष ने क्या किया एक बैंक गया एच डी एफ सी बैंक और एच डी एफ सी बैंक से उसने लोन ले लिया बीस लाख रुपए का और बीस लाख रुपए का लोन लिया जिसपे इंटरेस्ट का रेट नाइन परसेंट है और ये जो लोन लिया गया ये लिया गया फर्स्ट अक्टूबर 2020 एंड में मान लो फर्स्ट अक्टूबर 2020 में लोन लिया और बोला हम घर बनाएंगे कंस्ट्रक्शन करेंगे। अब एक बात समझना फर्स्ट अक्टूबर 2020 को इस डेट को एच बैंक से 20 लाख का लोन लिया तनिष ने अब एक बात समझना ये वाला ईयर कंप्लीट जब होगा तो पहला ईयर कंप्लीट हुआ थर्टी फर्स्ट मार्च 2021 को अब थर्टी फर्स्ट मार्च 2021 को देखा तो घर की पोजीशन ऐसी थी कि यहां पे जो उसमें फाउंडेशन वाउंडेशन था वो भर दिया था मींस घर का फाउंडेशन भर दिया था और इतनी सी दीवारें खड़ी हुई थी आप मुझे एक बात बताओ क्या इसको देख के आपको हाउस प्रॉपर्टी लग रहा है क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी उसको बोलते हैं जब एक प्रॉपर बिल्डिंग होती है दिस इज नॉट अ हाउस प्रॉपर्टी तो जब ये हाउस प्रॉपर्टी ही नहीं है तो आपकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाएगी ही नहीं हाउस प्रॉपर्टी ही नहीं है तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में इनकम जाएगी ही नहीं क्योंकि इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में तब जाती है जब हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए और एस उसका ओनर होना चाहिए तो ये हाउस प्रॉपर्टी नहीं है इनकम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगी लेकिन सर एक बात बताओ यहां इस 20 लाख के लोन पे जो 9 परसेंट इंटरेस्ट लगा छ महीने का ये इंटरेस्ट तो जाएगा अब एक बात बताओ आप बैंक को इंटरेस्ट दोगे कितना इंटरेस्ट दोगे बताओ मुझे 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 9 परसेंट मल्टीप्लाई बाय बारह कितना इंटरेस्ट आया नब्बे हजार तो नब्बे हजार का इस साल का इंटरेस्ट है उसका क्या होगा अभी कुछ भी नहीं होगा रहने दो इसको अभी कुछ भी नहीं होगा रहने दो क्योंकि घर है ही नहीं तो इंटरेस्ट अलाउ होगा ही नहीं इंटरेस्ट तो तब अलाउ होता है जब हाउस प्रॉपर्टी है यहां तो हाउस प्रॉपर्टी है नहीं अगला साल आया और अगले साल क्या हुआ कि अगला साल आया वो ईयर कंप्लीट हुआ थर्टी फर्स्ट मार्च 2022 को और उस दिन हाउस प्रॉपर्टी की हालत ऐसी हो गई थोड़ी और दीवारें दीवारें बन बन गई, गई, थोड़ी और बन गई। आप मुझे बताइए क्या ये हाउस प्रॉपर्टी है क्या आंसर इज नो यह हाउस प्रॉपर्टी नहीं है तो इस साल का इंटरेस्ट और हुआ वन लैख एटी थाउजेंड तो चलिए वन लैख एटी थाउजेंड इंटरेस्ट का क्या होगा कोई प्रॉब्लम नहीं रहने दीजिए उसके बाद में एक और ईयर कंप्लीट हुआ और आया थर्टी फर्स्ट मार्च 2023 और थर्टी फर्स्ट मार्च 2023 को हाउस प्रॉपर्टी की हालत जो है वो ऐसी है मींस ऐसे दीवारें बनी हुई है इधर से एक चपरा डला हुआ है ये हाउस प्रॉपर्टी आप बताओ क्या ये हाउस प्रॉपर्टी है या नहीं नहीं ये हाउस प्रॉपर्टी नहीं है तो इस साल का 180000 का इंटरेस्ट है वो भी रहने दीजिए कुछ नहीं होगा अभी लेकिन उसके बाद क्या हुआ उसके बाद मान लो एक डेट आती है टेन दिसंबर दो हजार को और इस दिन यहां पे क्या हुआ ये प्यारा सा घर बन गया ये इनका एक सपना था कि घर हो अपना एक प्यारा सा घर बन गया मुझे बताइए इस साल में हाउस प्रॉपर्टी बन गया कि नहीं बना बना अब इस साल का भी इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा वन लैख एटी थाउजेंड भाई इस साल में तो घर बन गया ना इस साल में तो घर बन गया तो मेरे को बताओ घर कौन से प्रीवियस ईयर में बन गया तेबिस चौबीस में बन गया तो तेबिस चौबीस प्रीवियस ईयर में घर बन गया तो सर इस साल का इंटरेस्ट जो है वो तो इस साल में अलाउ हो जाएगा तेबिस चौबीस में क्योंकि घर बन गया भले दिसंबर में बनाए भले दिसंबर में बनाए जिस ईयर ईयर में में घर बन गया उस में आपकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में आएगी और जब हाउस प्रॉपर्टी हेड में आएगी तो इस साल का इंटरेस्ट तो आपको अलाउ हो जाएगा सर भले इस साल में कभी भी घर बना हो अगर इस साल में घर बन गया इस पूरे साल का इंटरेस्ट आपको इस साल में अलाउ हो जाएगा तो बेटा 180 ये इंटरेस्ट तो इस साल में अलाउ हो जाएगा लेकिन क्वेश्चन आता है सर ये इंटरेस्ट जो 180 था ये इंटरेस्ट जो 180 था ये इंटरेस्ट जो 90 था उसका क्या होगा और ये जो पहले वाला जो इंटरेस्ट है ना इसी को बोला जाता है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट क्या बोला जाता है क्या बोला जाता है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट उसको बोलेंगे पता है जिस ईयर में आपका हाउस का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उस ईयर के पहले वाले ईयर्स का इंटरेस्ट मैं उस डेट के पहले बोल रहा हूं या उस ईयर के पहले बोल रहा हूं उस ईयर के पहले वाले ईयर्स का इंटरेस्ट है उसको बोला जाता है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट तो बेटा जो तुम्हारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट है ना तो देखिए आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट है वो ये नाइनटी थाउजेंड वन एटी एंड वन एटी टोटल कितना होता है फोर लैख ये फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड का जो इंटरेस्ट है ये आपको अब अलाउ हो जाएगा इन द फाइव इक्वल इंस्टॉलमेंट गवर्नमेंट ने बोला कि जो तुम्हारा पुराना प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट है ना नाउ वी विल अलाउ यू इन फाइव इक्वल इंस्टॉलमेंट फ्रॉम द एंड ऑफ फ्रॉम कंस्ट्रक्शन वॉज कंप्लीटेड हुआ इसवल इंस्टॉलमेंट में अलाउ हो जाएगा तो देखो इसमें क्या हुआ समझना बेटा सबसे पहले आपको एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो कैसे आपको यह प्री और पोस्ट को डिवाइड करना तो देखो आप सबसे पहले इंटरेस्ट निकाल दीजिए कौन से ईयर का कितना इंटरेस्ट था तो मुझे पता चला कि सबसे पहले प्रीवियस ईयर बीस इक्कीस का इंटरेस्ट 90,000 थाउजेंड था उसके बाद इक्कीस बाईस का इंटरेस्ट वन एटी थाउजेंड था बाईस तेईस प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट भी वन एटी थाउजेंड था एंड तेबिस ईयर का भी इंटरेस्ट वन एटी थाउजेंड था अब आपको क्या करने का ये देखना क्या कि कंस्ट्रक्शन कौन से ईयर में कंप्लीट हुआ है कंस्ट्रक्शन आपके तेबिस चौबीस में कंप्लीट हुआ है करंट ईयर में तो आप इस साल को छोड़ दीजिए इस साल को छोड़ दीजिए इसके पहले वाला जितना भी इंटरेस्ट होता है इसको बोला जाता है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट और ये आपका फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड है और ये आपका अलाउ कितने ईयर में होगा फाइव इयर्स में तो कितना आ जाएगा नाइनटी थाउजेंड का आपका इंटरेस्ट आ जाएगा तो मुझे बताइए अब ये नाइनटी थाउजेंड का इंटरेस्ट आया इसको आपको फाइव इयर्स में अलाउ करना है इसका मतलब इस साल आप नाइनटी थाउजेंड जोड़ेंगे अगले साल कोई इंटरेस्ट रहेगा उसमें भी नाइन्टी थाउजेंड जोड़ेंगे अगले साल जो इंटरेस्ट रहेगा उसमें भी नाइन्टी थाउजेंड जोड़ेंगे अगले साल जो इंटरेस्ट रहेगा उसमें भी नाइन्टी थाउजेंड जोड़ेंगे और उसके अगले साल अगर कोई इंटरेस्ट है उसमें भी आप नाइन्टी थाउजेंड जोड़ेंगे तो अगर आपसे कोई पूछा जाए कि आपका तेबिस चौबीस का, का इंटरेस्ट कितना अलाउ होगा तो इस साल का इंटरेस्ट कितना आ गया टू लैख टू लेख सेवेंटी थाउजेंड का इंटरेस्ट इस साल आएगा अब अगर ये प्रॉपर्टी एसओपी है क्या है तो मैक्सिमम कितना अलाउ होगा दो लाख और अगर ये एलओपी डीएलओपी है तो पूरा टू लेख सेवन थाउजेंड अलाउ हो जाएगा तो बड़ा लॉजिकल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कौन और इसमें मैं आप वापस गलती करोगे अभी मैं क्वेश्चन दूंगा उसके आंसर आएंगे छह अलग अलग करके ठीक है देखना और सेम क्वेश्चन दूंगा कोई भी हटके नहीं दूंगा तो भी तुम गलत आंसर करोगे ध्यान देना वापस बोल रहा हूं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट किसको बोलते हैं कि जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उस ईयर में तो घर बन गया उसके पिछले वाले सालों का इंटरेस्ट मैं सालों का बोल रहा हूं या उस डेट के पहले का सालों का मीस उस साल को छोड़ दो उसके पिछले इयर्स का जो इंटरेस्ट है उसको बोला जाता है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट एंड दैट विल बी अलाउड इन द फाइव इक्वल इंस्टॉलमेंट फ्रॉम द ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन वॉज कंप्लीटेड यू गॉट माई पॉइंट और नॉट लिखो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट हेडिंग दे दो आप प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट हेडिंग दे दो और लिखो इट मींस इट मींस interest before it means interest before the year in which it means interest before the year in which construction was completed it means interest before the year in which construction was completed construction was completed full stop. it is allowed in five equal installment it is allowed in 5 equal installment it is allowed in five equal installment from the year in which from the year in which construction was completed.

फ्रॉम एच डी एफ सी बैंक ऑफ रुपीज ट्वेंटी लैख ऑफ रुपीज ट्वेंटी लैख ऑफ रुपीज ट्वेंटी लैख ऑन फर्स्ट अक्टोबर टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी ऑन फर्स्ट अक्टूबर टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी एट द रेट नाइन परसेंट इंटरेस्ट एट द रेट नाइन परसेंट इंटरेस्ट स्टॉप कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीड ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इज कंप्लीटेड ऑन टेन दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इज कंप्लीटेड ऑन 10 दिसंबर 2023, फुल स्टॉप कैलकुलेट इंटरेस्ट अलाउड कैलकुलेट इंटरेस्ट अलाउड फॉर प्रीवियस ईयर 2324। कैलकुलेट इंटरेस्ट अलाउड फॉर प्रीवियस ईयर 2324। आप एक काम करिए जो आपको बोर्ड पे दे रखा है इसको कॉपी कर लीजिए एक बार कॉपी कर तेबिस चौबीस का पूरा इंटरेस्ट आएगा जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है ना उस पूरे साल का इंटरेस्ट लेने का उस साल का तो पूरा आएगा ही आएगा और पुराने वाले सालों का फाइव इक्वल इंस्टॉलमेंट में ऐसा करने का कौन से है? उन साल कुछ नहीं होगा पहले हाँ डन पीपल चलिए आप एक काम करिए आपके पास कंपाइलर अगर आ गया हो नहीं है तो भी कोई बात नहीं क्वेश्चन नंबर फोर पे आइए क्वेश्चन नंबर फोर अगर कंपाइलर नहीं है तो कोई बात नहीं पेज नंबर आपकी बुक में दे रखा है फोर्टी थ्री क्वेश्चन नंबर फोर पेज नंबर फोर्टी थ्री क्वेश्चन नंबर फोर पेज नंबर फोर्टी थ्री देखिए आपको क्वेश्चन दे रखा है आदित्य क्वेश्चन पे आइए नई है बुक तो इधर देखिए क्वेश्चन नंबर फोर आपको क्वेश्चन दे रखा है कि स्नेहा है टेकन अ लोन ऑफ सेवन लाख।

तो क्वेश्चन नंबर फाइव कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया था टेन लाख का 2017 में लिया था 12% की रेट से लोन रीपेमेंट भी हुआ है बीच में one for 2020 को प्रिंसिपल रीपेमेंट हुआ है कंस्ट्रक्शन one third 2022 को कंप्लीट हुआ है आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बताइए मुझे फोर एंड फाइव आप खुद ट्राई करके बताइए आप खुद हाँ, वही फॉर्मेट कुछ नहीं करना जिस इयर में लोन लिया था उस ईयर से अब तक इंटरेस्ट कैलकुलेट करो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उसको मार्क करो उस ईयर को छोड़ दो पीछे का इंटरेस्ट पांच इक्वल इंस्टॉलमेंट डाल दो सेम फॉर्मेट जैसा अभी ये मैंने वहां किया था हाँ पहले का पहले का एटी फोर थाउजेंड दूसरे का वन लैख एट हंड्रेड So, पहले का मेरे को टोटल इंटरेस्ट चाहिए असेसमेंट तेबिस इच्चीस का ठीक है या सॉरी असेसमेंट ईयर का पहले का तूने कितना बोला छुटकी का वन लैक एट हंड्रेड सही है ये देखते हैं ट्राई करो ट्राई करो हाँ जो भी है अलग हो सकता है ना इसका सही थोड़ी सही होगा किसी ने बोला पहले बोले थोड़ी सही होता है भाई अलग अलग आंसर आ रहे हैं बहुत सारे बच्चों के पहले का आंसर और क्या आया नाइन्टी टू फोर हंड्रेड सो एक आंसर आया नाइन्टी टू फोर हंड्रेड और दूसरे का अरे नहीं क्या रुक तो जा तो क्या बताया था तो भी तेरा आंसर गलत आ रहा है तो भी वन लाख एटी फोर थाउजेंड एट हंड्रेड आ रहा है दूसरे का आंसर बताओ हा वन फिफ्टी फोर फोर हंड्रेड पहले का वन लैख ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स हाँ 88, 200 पहले का गलत है नहीं तो मैं तुझे बोल रहा हूं मेरे पास जगह नहीं है लिखने के लिए वन लैख सेवेंटीन थाउजेंड फोर हंड्रेड सिक्स हंड्रेड हाँ भाई 142 800. इतना सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट से इंटरेस्ट निकालना है ना तो इसमें कम्युलेटिव करना है कुछ और उसमें अगर मेरे पास पंद्रह आंसर आ रहे हैं तो गड़बड़ है और अभी एक क्वेश्चन उसके सामने कराया है और इससे इजी क्वेश्चन मेरे हिसाब से नहीं हो सकता जो क्वेश्चन नंबर फोर है उससे इजी क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकता इस दुनिया में कोई बात नहीं क्या फर्क पड़ता है अपन करेंगे ना चलो तो मैं ट्राई करता हूं मैं ट्राई करता हूं मैं ट्राई करता हूं तो चलो मैं क्वेश्चन नंबर फोर में ट्राई करता हूं आप लोग तो ट्राई कर चुके हो तो क्वेश्चन नंबर फोर और पेज नंबर कौन सा है पेज नंबर फोर्टी थ्री क्वेश्चन नंबर फोर पेज नंबर फोर्टी थ्री आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है लोन कौन से ईयर में लिया है, लास्ट ईयर तो प्रीवियस ईयर बाईस तेईस में कितने का लोन था सेवन लैख इंटरेस्ट का रेट क्या है कौन सी डेट को लोन लिया हा? फर्स्ट अक्टूबर तो मैं बोलू लास्ट ईयर में छह महीने का इंटरेस्ट रहेगा कितना आया फोर्टी टू थाउजेंड इस साल में आपका तेबिस चौबीस में सात लाख पे पूरे साल का इंटरेस्ट रहेगा क्योंकि पूरे साल लोन यूज हुआ एटी फोर थाउजेंड हाँ भाई अब एक बात बताओ कंस्ट्रक्शन कौन से ईयर में कंप्लीट हुआ हाँ ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर तो जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उसको छोड़ दो उसके पहले वाले ईयर का जो भी इंटरेस्ट रहेगा वो क्या माना जाएगा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट तो ये तुम्हारा आया प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट और ये इंटरेस्ट आपको फोर्टी टू थाउजेंड डिवाइड बाय फाइव ईयर्स में अलाउ हो जाएगा कितना आ जाएगा आठ हजार आठ हजार चार सौ तो ये इस साल से आठ हजार चार सौ एड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 92,400 इंटरेस्ट अलाउड फॉर प्रीवियस ईयर तेबिस चौबीस और असेसमेंट ईयर चौबीस पच्चीस बोलो आप इसको इसमें इतना डाउट क्यों था रीपेमेंट इसमें है ही नहीं क्वेश्चन फोर में क्वेश्चन फोर में रीपेमेंट का रीपेमेंट नॉट मेड ना तो नहीं किया तो पूरा आउटस्टैंडिंग है ओ, तो क्वेश्चन फाइव करो तो क्वेश्चन फाइव करो हाँ स्क्रीन पे क्वेश्चन फाइव दिखाओ तुम्हारे पास बुक नहीं है अरे यार क्वेश्चन नंबर फाइव ये लो क्वेश्चन नंबर फाइव ट्राई करो फटाफट फाइव का कितना चुटकी बोल चुटकी बहुत जोर से बोली थी गलत आंसर और सबसे पहले बोली थी अब अब बोलना वन लैख फिफ्टी फोर थाउजेंड फोर हंड्रेड वन लैख फिफ्टी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड वेरी गुड और कोई टू लेख टेन थाउजेंड वेरी गुड हाँ हाँ ऑनलाइन वाले बच्चों ऑनलाइन वाले बोल रहे वन फिफ्टी टू फोर हंड्रेड ऑनलाइन वाले बोल रहे वन फिफ्टी फोर फोर हंड्रेड वन फिफ्टी टू फोर हंड्रेड ये दो वो सबसे ज्यादा आंसर आए टू टेन तो किसी ने नहीं दिया टू लाख ट्वेल्व थाउजेंड वेरी गुड ये हुई ना बात तुम्हारे बढ़िया हाँ वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड फोर्टी थाउजेंड ये हुई ना बात बंदे ने मतलब एकदम कॉन्फिडेंस देखो तुम वन लाख फोर्टी में कॉन्फिडेंस ही झलक रहा है सिर्फ बट सही है हो सकता है सही हो जाए थर्टी फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड भाई साहब रहने तू मैं क्या लिख लेता हूं नहीं तो बोलेगा लिखा नहीं वन थर्टी फाइव टू हंड्रेड वेरी गुड चुटकी का आंसर आया वन ट्वेंटी सिक्स फोर हंड्रेड वन फिफ्टी फोर फोर आ चुका है वन फिफ्टी सिक्स सिक्स हंड्रेड वन फोर्टी सेवन वन फोर्टी सेवन सिक्स हंड्रेड मान लेता हूं मैं चलो हाँ वन फिफ्टी फोर फोर हंड्रेड नाम क्या है तुम्हारा रुचि ये दो आंसर सबसे ज्यादा आए ये दो आंसर सबसे ज्यादा आ रहे ऑनलाइन वाले बच्चों तुम्हारे भी 154 एंड 152 400 ये दो आंसर सबसे ज्यादा आ रहे हैं टू लैख टेन थाउजेंड भी आ चुका है हाँ वन फिफ्टी टू फोर हंड्रेड आ चुका है बाबू कुछ कोविड आने वाला है क्या मतलब ऐसे ऐसे ही you are not feeling हाँ भाई चलो सब लोग अपना अपना ट्राई कर चुके हैं 152 चेंज हो गया पहले 154, 150 फिफ्टी वन अच्छा अच्छा हाँ पहली बार वन फिफ्टी टू फोर हंड्रेड ये व्यक्ति गुस्सा हो जाती है मेरे बेटे के कि मैं सही बोल रही हूँ और उसमें आप ये बोल रहे हो वन फिफ्टी टू फोर हंड्रेड बस चलो जिन जिन को ट्राई करना था कर चुके हो आप ट्राई आपका टाइम खत्म होता है अभी अब हम चालू करते हैं मैं ट्राई करता हूं एक बार मैं ट्राई करता हूं एक बार चलो पहले एक बात बताओ ये लोन कौन से ईयर में लिया था हा ये क्वेश्चन नंबर आपका फाइव है पेज नंबर फोर्टी थ्री कौन से प्रीवियस ईयर में लिया था लोन सेवनटीन एटीन में लिया था तो सेवेंटीन एटीन एटीन नाइनटीन नाइनटीन ट्वेंटी 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 वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू 22 23 एंड 23 24 क्योंकि आपको तो इस साल का इंटरेस्ट निकालना है 23 24 अब एक बात बताओ 17 18 में लोन कितने का था 10 लाख का था कौन सी रेट से लिया था कौन सी डेट को लिया था 17 18 में फर्स्ट जून तो मैं बोलूं उस साल में आपका 10 महीने का इंटरेस्ट रहेगा तो मल्टीप्लाई बाय टेन बाय ट्वेल्व तो उस साल का इंटरेस्ट आपका वन लाख था अब एक बात बताओ अगले साल जो है 1819 में पूरे साल लोन यूज हुआ होगा तो इस पे बारह परसेंट इंटरेस्ट कितना आया वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड उसके अगले साल रीपेमेंट कब हुआ बताओ फर्स्ट अप्रैल अरे रीपेमेंट कब हुआ फर्स्ट अप्रैल ट्वेंटी 20 में तो मैं बोलू 1920 में तो पूरा यूज हुआ 10 लाख तो 1920 का आपका इंटरेस्ट 12 परसेंट मिस एक लाख बीस हजार सही बोल रहा हूं 2021 में मैं बोलू अब आपका छह लाख ही रहा क्योंकि फर्स्ट अप्रैल को पे कर दिया ना तो छह लाख रहा मल्टीप्लाई बाय 12 परसेंट कितना आता है 72,000 अगले साल और कोई रीपेमेंट कहीं पे कुछ है नहीं तो छह लाख का बारह परसेंट सेवेंटी टू थाउजेंड उसके अगले साल भी छ लाख का बारह परसेंट इंटरेस्ट सेवेंटी टू थाउजेंड उसके अगले साल भी लाख का बारह परसेंट सेवेंटी टू थाउजेंड अब एक बात बताओ ये मैंने कुछ नहीं किया सिर्फ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया अब मुझे यह देखना है कि प्री में कितना जाएगा पोस्ट में कितना जाएगा जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उस ईयर को मार्क करो कौन से ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ डेट क्या दे रखी है हा? कौन सी डेट 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 बोल फर्स्ट मार्च 2022। थाउजेंड कौन से प्रीवियस ईयर में आएगा ये 21-22 में आएगा ना 21-22 में तो 21-22 में आएगा तो आप 21-22 को मार्क कर दो तो इस साल से तो आपके पोस्ट में आ गया होगा इसके पहले का जो ये इंटरेस्ट रहेगा ये तुम्हारे प्री में आया होगा तो इसको बोलेंगे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट टोटल करो कितना आता है फोर लैख ट्वेल्व थाउजेंड डिवाइड बाय फाइव एटी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड अब हर साल ये जुड़ता जाएगा एटी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड पांच साल तक तो बेटा ये अपना इस साल में इंस्टॉलमेंट आ रहा है तो इस साल का टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ 154. तो ये वन फिफ्टी टू लोगों के कैसे आया था कौन सा अच्छा वो जून पहले वाले में नाइन मंथ ले लिया ओ भाई साहब इतने बोले हो तुम क्या उनको जून दिखते हैं, नौ महीने दिख गया ओ वो जून होना चाहिए हाँ यहाँ पे फर्स्ट जून था क्या यार हे भगवान ये सब सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया कंस्ट्रक्शन जिस ईयर में कंप्लीट हुआ उस ईयर में पूरा पोस्ट में लो उसके पिछले इयर्स का प्रीम है हाँ अरे रे रे ये क्या हुआ मैंने ना ये जाना टन नन 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 तनेश एंड आकांक्षा दोनों कहा मिले पहली बार यहीं पे फाउंडेशन सेम सिटी से बिलोंग करते हो साथ में यहां हो? एक ही बस में अरे भाई बोला बाइक पे तुझे ज्यादा पता है सेम चल इचलगन जी से हो कहा से हो दोनों अहमदनगर संभाजीनगर मैं भी संभाजीनगर से मैं भी संभाजीनगर ही रहता हूं संभाजीनगर मतलब औरंगाबाद ना औरंगाबाद बहुत प्यारी सिटी है मैं तो गया औरंगाबाद बहुत बार गया चलो अब मैं ऐसा का ऐसा एक क्वेश्चन आपको देता हूं आप सही करोगे पक्का ना नौ महीना नहीं देखोगे ना चलो लिखो लिखो लास्ट क्वेश्चन लिखिए मिस्टर जय मिस्टर जय मिस्टर जय हैज टेकन अ लोन फ्रॉम एसबीआई मिस्टर जय ज टेकन अ लोन फ्रॉम एस बी आई लोन फ्रॉम एस बी आई ऑन फर्स्ट जून टू थाउजेंड नाइंटीन ऑन फर्स्ट जून टू थाउजेंड नाइनटीन फोर रुपीज ट्वेंटी लैख एट द रेट सिक्स परसेंट इंटरेस्ट फोर रुपीज ट्वेंटी लाख एट द रेट परसेंट इंटरेस्ट सेंट इंटरेस्ट फुल स्टॉप ही मेड फॉलोइंग रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ही मेड फॉलोइंग रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ही मेड फॉलोइंग रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट पहला लिखो वन फोर टू थाउजेंड ट्वेंटी को फोर लैख బోర్డ్ దేకి एक चार है एक चार दो हजार तेबिस लास्ट वाला आपको यह बताना है प्रीवियस ईयर तेबिस चौबीस में कितना इंटरेस्ट अलाउ होगा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 14 फेब दो को लास्ट ईयर में चलो बताओ फटाफट कंप्लीटेड कंस्ट्रक्शन ऑन फोर्टीन फाइव टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री एंड आपको नॉर्मल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है ठीक है क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन में जो फर्स्ट मार्च दो हजार बाईस को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ मतलब प्रीवियस ईयर इक्कीस बाईस में हुआ ना तो इक्कीस बाईस को छोड़ दे उसके पिछले जितने भी प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट है वो रहेगा तुम्हारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट इसका आंसर किसी का आया क्या अभी तक? इस क्वेश्चन करंट क्वेश्चन का आंसर आया किसी का इस करंट क्वेश्चन का आंसर आया हो तो बताना किसी का भाई वन सेवेंटी टू हंड्रेड वन वन सेवन टू हंड्रेड सो पहला आंसर आया आंसर पांच आएंगे मुझे पता है पहला आंसर आया वन वन सेवन टू हंड्रेड हाँ वन फोर्टी फाइव टू हंड्रेड वेरी गुड और कोई ऑनलाइन वालों में एक का आया एक ग्यारह दो सौ एक का वन फोर्टी फाइव आ गया सिर्फ वन फोर्टी फाइव वन वन सेवन वन वन सेवन टू हंड्रेड हाँ भाई वन लैख सिक्सटीन थाउजेंड वन लेख सिक्सटीन थाउजेंड वन थर्टी टू वन थर्टी टू वन फिफ्टी हम्म वन लैख थर्टी वन थाउजेंड हां यस आ गया देखो लास्ट वही लिखा है हाँ. वन थर्टी वन वन थर्टी वन फोर हंड्रेड वन थर्टी वन फोर हंड्रेड वन सेवेंटी वन हंड्रेड सेवेंटीन टू हंड्रेड पहला ऑलरेडी आ चुका है हाँ वन सेवेंटीन टू हंड्रेड हाँ वन लैख फोर हंड्रेड वेरी गुड चलो कितने लोग स्टिल डूइंग रेज योर हैंड जो अभी भी ट्राई कर रहे हैं करो जल्दी करो यस पीपल वन लैख सेवेंटी टू थाउजेंड या वन सेवनटीन टू हंड्रेड वन सेवेंटीन टू हंड्रेड हाँ चलो 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 ऑनलाइन वाले बच्चों सबने ट्राई कर लिया वन थर्टी थ्री फोर हंड्रेड ये ले लो आंसर लास्ट वन थर्टी थ्री फोर हंड्रेड हाँ तुम्हारा वन नाइंटी वन वन थर्टी चलो हाँ भाई हाँ, ये एक बेसिक मैथमेटिक्स है करके ठीक है जिसमें कोई ना दिमाग लगाना है सिर्फ एक बेसिक दिमाग लगाना है कि कौन सा पैसा कितने मंथ यूज हुआ तो उसका इंटरेस्ट निकालना है कितने लोगों का आंसर वन सेवनटीन टू हंड्रेड आया रेज योर हैंड पहला कितने लोगों का ये दूसरा आया वन फोर्टी फाइव टू हंड्रेड कितने लोगों का तीसरा आया कितने लोगों का चौथा वाला आया 132, 150? एक ही है. कितनों का वन थर्टी वन आया दो चार आया तो भी आया मतलब वन थर्टी वन फोर हंड्रेड एक ही बंदा है वन डबल जीरो फोर डबल जीरो एक बंदा कितने लोगों का वन थर्टी थ्री फोर हंड्रेड बहुत सारे मतलब इडियट साथ में भी है ऐसा नहीं है कि पास में बैठ के एक दूसरे का कॉपी किया है नहीं एक उधर भी बैठे।, <laughs> दो बैठे दो इधर बैठे दो इधर बैठे दो इधर भी बैठे <laughs> मतलब समझ रहे हो सबका दिमाग एक जैसा चल रहा है <laughs> अगर गलत है तो सबका गलत चल रहा है समझ रहे हो आप हाँ चलो कोई बात नहीं वन थर्टी एट फोर हंड्रेड वन थर्टी एट टू हंड्रेड बहुत सारे हैं हा देखो राइट आंसर मेरे हिसाब से जो राइट आंसर वन लाख सेवेंटीन टू हंड्रेड राइट आंसर है ट्राई करते हैं चेक करते हैं सही है या नहीं कोई ऐसे ऐसे डिमोटिवेट नहीं होने का, का हमारा आंसर सही नहीं आया करके ठीक है तुम्हारे जैसे बहुत है <laughs> और ऑनलाइन वाले तो भाई साहब वन ट्वेंटी फाइव फाइव फिफ्टी आया है <laughs> जो किसी का नहीं आया ठीक है चलो एक बात बताओ अपन एक काम करते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं लोन कौन से ईयर में लिया था ये बताओ सो प्रीवियस ईयर 1920 में लिया था तो 1920 से 2021, 21, 22, 22, 23 एंड 23, 24 तक का इंटरेस्ट निकालेंगे एक बात बताओ लोन आपने जो लिया था फैजान भाई वो आपने फर्स्ट जून 2019 को लिया था तो एक बात बताओ फर्स्ट जून 2019 को 20 लाख का लोन लिया ट्वेंटी लैख का लोन फर्स्ट जून को लिया तो उस साल में दस महीने हुए यहां तो वापस वो नौ महीने नहीं किया ना हाँ तो यहां पे इंटरेस्ट की रेट छह परसेंट मल्टीप्लाई बाय दस बाय बारह और इस साल में और कोई रीपेमेंट है नहीं कितना आया एक लाख इंटरेस्ट इस साल का आया अब बीस इक्कीस में क्या कोई रीपेमेंट है क्या नहीं है बीस इक्कीस में डे वन पे ही रीपेमेंट है चार लाख का तो मैं बताऊं उस साल में और कोई रीपेमेंट नहीं है तो पहले दिन से ही आपके पास सोलह लाख बचा तो सोला लाख पे छह परसेंट की रेट से मल्टीप्लाई पर पूरे बारह महीने कितना आया नाइनटी सिक्स थाउजेंड अब इक्कीस बाईस में रीपेमेंट है या नहीं है और मेरे को बताओ इक्कीस बाईस में इन बिटवीन द ईयर रीपेमेंट है तो छह महीने जो है उसमें तो सोलह लाख पे इंटरेस्ट आएगा और छह महीने का फोर्टीन लाख पे आएगा क्योंकि आउटस्टैंडिंग अमाउंट सोलह लाख था इक्कीस बाईस में फर्स्ट अक्टूबर को रीपेमेंट हुआ तो मैं यह बोलू कि आपका सोलह लाख पे इंटरेस्ट आया परसेंट की रेट से छह कितना फोर्टी एट थाउजेंड एंड बेटा आपका फिर 14 लाख पे इंटरेस्ट आया क्योंकि दो लाख का रीपेमेंट है 14 लाख पे इंटरेस्ट आया 6 परसेंट की रेट से 6 बाय बारह कितना 40 तो दोनों मिला के कितना हुआ 90 90,000 रुक जा अब एक बात बताओ अगले साल रीपेमेंट और हुआ बाईस तेईस में रीपेमेंट हुआ फर्स्ट दिसंबर को तो आपका नवंबर तक तो पूरा फोर्टीन लेख था तो नवंबर तक कितने महीने होते हैं महीने तो आपका यहां पे क्या हुआ होगा क्या फोर्टीन लैख मल्टीप्लाय सिक्स मल्टीप्लाय एट बाय ट्वेल्व और उसके बाद आपका डेढ़ लाख का पेमेंट हुआ तो साढ़े बारह लाख इंटू मल्टीप्लाई बाय चार बाय बारह तो टोटल इंटरेस्ट इस साल का कितना आया एटी वन थाउजेंड अगले साल डे वन पे ही पेमेंट हो गया तो अगले साल डे वन पे रीपेमेंट हुआ तो आपके पूरे साल का इंटरेस्ट है वो दस लाख पे लगा होगा तो दस लाख पे छक्का साठ हजार अब आप देखो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ फोर्टीन फेब टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री को तो इसका मतलब बाईस तेईस में कंप्लीट हुआ इस ईयर को छोड़ दो और इसके पिछले वाले इयर्स का जो इंटरेस्ट रहेगा दैट इज कॉल्ड द प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट कितना आता है टोटल टू लैख एटी सिक्स थाउजेंड डिवाइड बाय फाइव इयर्स कितना हो जाएगा सिक्सटी, फिफ्टी सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड इस साल के इंटरेस्ट में जोड़ दो फिफ्टी सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड तो इस साल का वन लैख सेवेंटीन थाउजेंड एंड टू हंड्रेड है वो आपके करंट ईयर का इंटरेस्ट आ जाएगा क्या हुआ बाबू बच्चा लोगों बोलो क्या हुआ बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है ना ये डिफिकल्ट है बिल्कुल सकल से नहीं लग रहा ये डिफिकल्ट करके ठीक है एकदम इजी कॉन्सेप्ट है सिंपल मैथमेटिक्स है सिंपल मैथामेटिक्स, है, सिंपल मैथामेटिक्स. वही आया था आ, यर नहीं, कंस्ट्रक्शन 22 तेईस में कंप्लीट हुआ उजवल देखना कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है कंस्ट्रक्शन 22 23 में 14 फेब 2023 प्रीवियस ईयर 22 23 में आएगा ना हां देख जिस प्रीवियस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उस ईयर को छोड़ दे उस ईयर में तो पोस्ट में आ जाएगा ना और उसके पिछले वाले ईयर का प्री में मैं मेरे मैं तो बोल रहा हूं 23 24 का इंटरेस्ट निकाल के दो मुझे हां प्रीवियस ईयर तेबित 24 का तो 60,000 हुआ ना और पुराना 17,200 और मिलेगा क्योंकि पांच इंस्टॉलमेंट चलता है तो इस साल का इंटरेस्ट एक 17,200 हुआ ना सर आपने एक अप्रैल 2020 लिखवाया था कुछ भी फालतू बात मत किया कर नींद में एक अप्रैल 2020 को रीपेमेंट हुआ था वो लिखवाया था ढाई लाख का चलिए हाँ। हाँ? आप सिर्फ यह करो कि जिस ईयर में पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दो जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उस ईयर को छोड़ दो उसके पिछले वाले ईयर्स का जितना इंटरेस्ट हो उसकी टोटल कर दो डिवाइड बाय फाइव कर दो और फिर पांच इक्वल इंस्टॉलमेंट में अलाउ कर दो चलिए डन बोलो डन अरे बोलो डन एक और क्वेश्चन <laughs> मतलब इन लोगों को ऐसा है ना इनको ये लग रहा है कि इतना इजी और हम गलत कर पा रहे हैं ठीक है <laughs> तो अपना जो ईगो सेटिस्फाई करना है एक बार के लिए चलो करवाते तुम्हारा ईगो सेटिस्फाइड डोंट वरी तुम्हारा ईगो अभी सेटिस्फाई कराते हैं कौन सा नहीं ये स्टूडेंट का लास्ट बैच का हर बैच में मैं एक बुक ले लेता हूं बाद में हाँ भाई चलिए आ जाइए सब लोग क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर नाइन पे आइए क्वेश्चन नंबर नाइन पे सॉल्यूशन नहीं देखेंगे अंकित यस आपका डाउट दिख रहा है पांच साल में क्यों डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि लॉ को लगा कि पुराना इंटरेस्ट एक साथ में नहीं देना चाहिए नहीं तो एक साथ में बहुत बार आपकी लिमिट एग्जॉस्ट हो जाएगी ना दो लाख की तो बोले पांच साल में हम थोड़ा थोड़ा आपको दे सकते हैं चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर नाइन पे आप खुद ट्राई करेंगे सॉल्व करने का मतलब आप लोग आंसर नहीं देखेंगे आंसर नो डाउट मैंने यहां दे रखा है बट आपका ईगो सेटिस्फाई करना है अपने को तो इसलिए देखो पहले क्वेश्चन कैप अपन पढ़ते हैं सब लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे सब लोग इधर ध्यान दीजिए क्वेश्चन बोलता है पूर्णा हैज वन हाउस प्रॉपर्टी एट इंदिरा नगर बैंगलोर तो इंदिरा नगर बैंगलोर में पूर्णा का एक घर है एक ऐसा लिखा हुआ है शी स्टे विद हर फैमिली इन द हाउस मीन ये एसओपी है एल है या डी है ये तो एसओपी है क्योंकि वो खुद ही उसमें पड़ी है अपनी फैमिली के साथ में खुद ही रह रही है अगर एसओपी है तो रेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी इन द नेबरहुड ट्वेंटी फाइव थाउजेंड पर मतलब एसओपी में तो हर चीज डैश पे डैश आती है सिर्फ क्या लेस होता है इंटरेस्ट ऑन लोन और वो भी स्पेशल केस में आया तो दो लाख और नॉर्मल केस में आया तो तीस हजार द म्युनिसिपल वैल्यूशन टू है अपने को उससे कोई मतलब नहीं म्युनिसिपल टैक्सेस एट थाउजेंड है इससे भी कोई मतलब नहीं अब इंटरेस्ट की डिटेल आ रही है द हाउस कंस्ट्रक्शन बिगेन अप्रैल 20 लाख एटीन टेकन फ्रॉम द इसने लोन लिया था 20 लाख का एसबीआई हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से कंस्ट्रक्शन वॉज कंप्लीटेड ऑन थर्टीबर दो थर्टीएत नवंबर दो हजार 2018 जो है उसी साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया द एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट एक सेकेंड हा शायद कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन की डेट एक बार मुझे आईसीआई मॉडल देखने दो। सरप। जस्ट लेट मी चेक एक बार सिर्फ एक बार प्लीज हाँ। आई एम हैविंग सम डाउट ऑन द कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन का डेट शायद दो हजार बीस होना चाहिए एक मिनट एक मिनट यार एक तो नेट सही नहीं चल रहा हाँ, इधर देखो ना प्लीज को क्वेश्चन का नाम क्या पूर्णा ना हा क्वेश्चन का नाम है पूर्णा राजेश मानस हाँ इसका इस अरे रुको भाई इसमें एक्चुअली डेट ही पूरी अलग है अपने क्वेश्चन में मैंने जो डेट ली है अरे रुको अपने क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन कब चालू हुआ है फर्स्ट अप्रैल 2018 को उसके बाद एसबीआई से लोन कब लिया फर्स्ट अप्रैल 2018 को और कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन का डेट मैंने क्या दे रखा है तीस नवंबर दो दे रखा है ठीक है इसको करना है आपको बीस एक डेट को चेंज करना है आपको ये जो कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन का डेट है इसको आप, आपको करना है 2020 <laughs> तो एक छोटा सा चेंज आप कर लीजिए प्लीज तो देखो द हाउस कंस्ट्रक्शन बिगेन इन अप्रैल 2018 को चालू किया था विद द लोन ऑफ 20 लैख फ्रॉम द एसबीआई हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड एट द रेट 9 परसेंट पर एनम उेंड एटीन को लिया कंस्ट्रक्शन वॉज कंप्लीटेड इंटरेस्ट अपर्टी फर्स्टेंड है एंड ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर करंट ईयर में पूर्णा पेड टू लैख फोर्टी थाउजेंड विच इंक्लूड दन लैख एटी थाउजेंड एज इंटरेस्ट देर वॉज नो प्रसिपल रीपेमेंट प्रायर टू दिस डेट कंप्यूट प्रज्ञास इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2425 इफ शी एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिज़िम ऑफ सेक्शन 115 बीएसी सब सेक्शन 1ए ये 115 बीएसी सब सेक्शन 1ए नहीं ले रही है अब मुझे एक बात बताओ कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कौन सी डेट को हुआ तो 30th नवंबर 2020 को हुआ तो एक बात बताओ जिस डेट को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है उस डेट के पहले का इंटरेस्ट या उस ईयर के पहले का इंटरेस्ट उस ईयर के पहले का तो एक बात बताओ ये वाला ईयर जो रहेगा यह तो प्रीवियस ईयर इक्कीस इक है तो इसके पहले वाला ईयर कौन सा रहेगा उन्नीस बीस और उन्नीस बीस कंप्लीट कब हुआ होगा थर्टी फर्स्ट मार्च दो हजार बीस तो मैं बोलू थर्टी फर्स्ट मार्च दो हजार बीस तक का जो भी इंटरेस्ट रहेगा वो आपका प्री कंस्ट्रक्शन में जाएगा थर्टी फर्स्ट मार्च दो हजार बीस का इंटरेस्ट कितना दे रखा है थ्री लैख तो जो थ्री लैख थाउजेंड रहेगा ये थ्री लैख कौन से ईयर से डिवाइड बाई फाइव हो जाएगा तो कितना आएगा सेवेंटी और सेवेंटी टू थाउजेंड कौन से, से अलाउ होना चालू होगा प्रीवियस ईयर बीस इक्कीस प्रीवियस ईयर इक्कीस बाईस प्रीवियस ईयर बाईस तेईस एंड प्रीवियस ईयर तेईस चौबीस तेबिस तो चौबीस में एक तो सेवेंटी टू थाउजेंड पुराना वाला आएगा और इस साल का इंटरेस्ट कितना है? 1, 80, है। हाँ भाई, तो 1, 80, और एड कर दो तो इस साल का टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ टू लाख फिफ्टी टू थाउजेंड बट मुझे एक बात बताओ अगर एसओपी के केस में मैक्सिमम इंटरेस्ट आपको कितना अलाउ होता है दो लाख तो मैक्सिमम आपको दो लाख का इंटरेस्ट इसमें अलाउ हो जाएगा तो अगर इसका आप सॉल्यूशन देखोगे तो सॉल्यूशन में देखिए कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ पूर्णा फॉर द असमेंट चौबीस पच्चीस एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी यूज फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन अंडर सेक्शन रखने की जरूरत नहीं उसका एनुअल वैल्यू हैं एनएवी के बाद में एक ही चीज लेस होती है दैट इज इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल तो जो भी आपको बोरोड कैपिटल है उसमें आपका इस साल का इंटरेस्ट 180 है और पुराना जो आ रहा है वो 360 डिवाइड बाय 15 किया है तो वो टोटल इंटरेस्ट 252 है बट हाउएवर द इंटरेस्ट डिडक्शन इज रेस्ट्रिक्टेड टू द 2 लाख यहां पे मैक्सिमम आपको 2 लाख के इंटरेस्ट का डिडक्शन है वो आपके मिल जाएगा कितना मिल जाएगा टू लेख का डिडक्शन आपको मिल जाएगा डन अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूं और यह कॉन्सेप्ट भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है बट लॉजिकल है ठीक है एक चीज बताओ मुझे इधर देखो सब लोग एक कॉन्सेप्ट आता है दैट इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ वैकेंसी क्या बोला कॉन्सेप्ट ऑफ एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं इधर देखना सब लोग इधर देखना सब लोग बोर्ड पे देखो एक बार जैसे मान लो मेरा एक घर है मेरा एक घर है और ये घर मैं परमंद भाड़े पे देता हूं जिसका भाड़ा है फिफ्टी थाउजेंड पर मंथ फिफ्टी थाउजेंड पर मंथ भाड़ा है रेंट पर मंथ फिफ्टी थाउजेंड अब हुआ क्या ये घर का एक्सपेक्टेड रेंट आपने निकाला तो वो आ रहा है फोर लैख सेवेंटी थाउजेंड एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकालते हैं म्यूनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट विच इज हायर स्टैंडर्ड रेंट विच इज लोअर एक्सपेक्टेड रेंट फोर सेवेंटी आ रहा है मेरा रेंट जो है वो पर मंथ फिफ्टी थाउजेंड है लेकिन हुआ क्या कि ये घर खाली पड़ा था तीन महीने के लिए जिसमें मेरी कोई गलती नहीं है एक बात बताओ बहुत बार ऐसा होता है कि जब एक टेनेंट छोड़ के जाता है और दूसरा टेनेंट आता है तो उसके बीच में घर खाली रहता है भाई एक महीने दो महीने तीन महीने ऐसा हो सकता है खाली रहा मैं तो चाहता हूं भाड़े पे देने के लिए कोई ले ही नहीं रहा है तो घर खाली पड़ा है मेरा घर तीन महीने के लिए वैकेंट है मुझे बताओ जब आप एक्चुअल रेंट निकालने जाओगे तो एक्चुअल रेंट अपन कैसे निकालते हैं एक्चुअल रेंट इज इक्वल टू रेंट रिसीव्ड प्लस रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज रेंट तो देखो अनरियलाइज़ तो कुछ है ही नहीं यहां पे मेरे को कितने महीने का रेंट मिला होगा नाइन मंथ का तो नाइन मंथ मल्टीप्लाई फिफ्टी थाउजेंड कितना होता है फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड तो मुझे फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड का रेंट एक्चुअल रेंट मिल गया अब एक बात बताओ हम लोग क्या करते हैं जीएवी निकालने के लिए एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर लेते हैं हाँ बाबू तो यहां पे विच एवर इज हायर कितना आएगा फोर लैख सेवेंटी थाउजेंड आएगा अब यार एस बोलेगा इसमें तो मेरी क्या गलती भाई लॉजिकली सोचिए मेरा घर खाली पड़ा था और तुम यार एक्सपेक्टेड रेंट पे टैक्स ले रहे हो ये तो मेरे साथ गलत हो रहा है ना ये तो मेरे साथ चिटिंग हो रही है ना भाई मेरा एक्चुअल रेंट 450 है तुम 450 पे टैक्स ले लो मुझे समझ में आता है तुम 470 पे टैक्स ले रहे हो क्योंकि तुमने एक रूल बना रखा है कि एक्सपेक्टेड और एक्चुअल एवर इज हायर रहेगा वो जीएवी बनेगा तो एक्चुअल और एक्सपेक्टेड जो हायर रहेगा वो तुम्हारा जीएवी बनेगा बट एस बोलता है यार ये तो मेरे साथ गलत हो रहा है ना क्योंकि घर खाली पड़ा मान लो यहां तीन महीने की जगह घर पांच महीने खाली पड़ा होता तो पांच महीने खाली पड़ा होता तो आपका एक्चुअल रेंट कितना साढ़े तीन लाख और साढ़े तीन लाख अगर एक्चुअल रेंट आता अब आप बोलते हो आपको तो फोर सेवेंटी पे टैक्स भरना है बट भाई मैं क्या करूं मेरे यहां टेनेंट ही नहीं आ रहा है मैंने एजेंट को चाबी देके रखी है घर खाली पड़ा है उसमें मेरी क्या गलती यार तुम यहां फोर सेवनटी को जीएवी बना रहे हो ये तो गलत है ना आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं क्या भाई मान लो कोविड में आपका टेनेंट छोड़ के चला गया पांच महीने घर खाली पड़ा रहा भाई मैं तो भाड़े पे देने चाहता कोई भाड़े पे ले बट कोई भाड़े पे ले ही नहीं रहा है मैं तो चाहता तो मैं क्या करूं तो, तो, यहां बोलते, को बनाओ, तो ने बोला टेंशन मत लो। यहां क्या बोलते हैं ऑल पीपल पे अटेंशन आपका सबका ध्यान इधर होना चाहिए फॉर द दो मिनट के लिए ठीक है दो तीन मिनट के लिए आपका ध्यान इधर दे दो ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा आप इधर ध्यान दो और बहुत ही लॉजिकली आपको समझ में आएगा लॉ मेकर्स बोलते हैं जब भी आपको क्वेश्चन में वैकेंसी दिख जाता है क्या दिख जाता है वैकेंसी वैकेंसी का मतलब होता है घर खाली पड़ा है क्या बोला घर पे ताला लगा है क्या बोला अगर घर में आप खुद पढ़े हो वो वैकेंसी नहीं है वैकेंसी किसको बोलेंगे घर क्या पढ़ा है खाली पड़ा है घर पे क्या लगा है ताला लगा है घर पे ताला लगा है घर खाली पड़ा है उसको क्या बोलेंगे वैकेंसी तो अगर जब भी आपको वैकेंसी दिख जाए तो ध्यान रखना बाबू हम जो करते थे ना एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट इन दोनों में से हायर वाले को जीएवी बनाते थे यह कॉन्सेप्ट यहां पे नहीं लगेगा फिर अगर वैकेंसी है तो एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर को जीएवी बनाते हैं वो कॉन्सेप्ट यहां पे नहीं लगेगा यहां हायर वाले को जीएवी नहीं बनाना तो आप बोलोगे फिर जीएवी किसको बनाए रुको हायर को नहीं तो बोले लोअर वाओ गजब है लॉ मेकर्स बोलते हैं एक काम करो आप एक काम करो इधर देखना लॉजिक लिया अगर तुम्हारा एक्सपेक्टेड रेंट ना एक्सपेक्टेड रेंट इस एक्सपेक्टेड रेंट से अगर एक्चुअल रेंट प्लस वैकेंसी रेंट ये दोनों मिला के अगर एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा या इक्वल टू हो जाते हैं तो आप एक काम करो कि जो तुम्हारा एक्चुअल रेंट है ना उस एक्चुअल रेंट को भी आप जीएवी बना दो मिस एक्चुअल रेंट और वैकेंसी रेंट ये दोनों मिला के अगर तुम्हारा एक्सपेक्टेड रेंट है उससे ज्यादा हो जाते हैं तो आप एक्चुअल रेंट को क्या बना दो जीएवी बट अगर तुम्हारा वैकेंसी है और वैकेंसी के बाद अगर एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा हो जाता है एक्चुअल रेंट प्लस वैकेंसी रेंट से तो फिर आपका जो एक्सपेक्टेड रेंट है ना उसको आप जीएवी बना दो मैं लॉजिक बताता हूं दोनों चीज का एक एग्जांपल एक लेते हैं एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं इधर देखो मैं एग्जांपल लेता हूं एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं एग्जांपल नंबर वन मान लो आपका जो एक्सपेक्टेड रेंट है वो एक्सपेक्टेड रेंट आपका फाइव लैख ट्वेंटी थाउजेंड है और तुम्हारा रेंट पर मंथ है वो मान लो रेंट पर मंथ है वो फिफ्टी थाउजेंड पर मंथ है और इस क्वेश्चन में आपका वैकेंसी है वो थ्री मंथ है अब मुझे एक बात बताओ एक्सपेक्टेड रेंट 520 है रेंट पर मंथ 50 है और वैकेंसी आपका थ्री मंथ है मुझे एक बात बताओ मैं सबसे पहले इधर लिखता हूं एक्सपेक्टेड रेंट यहां लिखता हूं एक्चुअल रेंट यहां लिखता हूं वैकेंसी रेंट मुझे एक चीज बताओ एक्सपेक्टेड रेंट आपका 520 है एक्चुअल रेंट कितना आएगा फोर लैख और वैकेंसी रेंट कितना आएगा तीन महीने घर भाड़े पे नहीं होता तो 150 आता तो एक बात बताओ मैं ऐसा बोलू कि ये दोनों मिला के इस एक्सपेक्टेड से ज्यादा है क्या मैं ऐसा बोलू कि इस एग्जाम्पल में एक्चुअल रेंट तुम्हारा एक्सपेक्टेड से कम है लेकिन ड्यू टू ड्यू टू

तो इसका मतलब मैं बोल रहा हूं कि देखो प्रभु मेरा एक्चुअल रेंट कम है एक्सपेक्टेड से बट इसमें मेरी गलती नहीं है घर खाली पड़ा है वैकेंसी है अगर नहीं होता तो मैं तो छह लाख पे टैक्स भरता और आप यहाँ फोर ट्वेंटी को जीएवी बनाओगे ये तो गलत है ना तो लॉ मेकर्स बोलते हैं आपका अगर ये दोनों मिला के मोर देन इक्वल टू हो जाते हैं तो एक्चुअल रेंट मतलब 450 क्या बन जाएगा जीएबी क्या बन जाएगा जीएबी यू गॉट माय पॉइंट और नॉट अब आप दूसरे एग्जांपल को समझो मान लो मान लो मान लो एग्जांपल नंबर टू डीम्ड मान लो आकांक्षा आकांक्षा ही नाम था बोले नगर से फाउंडेशन में भी साथ में थे मत बोलो थे फाउंडेशन में मार्क्स भी।, भी सेम सेम आए किसके ज्यादा आए लड़की के ज्यादा आए होंगे कितना है तुम्हारे कितना गैप रहा पचास मार्क का बीस का ही रहा है अब गैप बना देना नहीं तो गैप बढ़ जाएगा ऐसे बुरा नहीं मानने का मतलब तुम मेरे दोनों भाई बहनों करके ठीक है तो मतलब मेरे भाई बहनों ठीक है एग्जाम्पल नंबर टू हाँ इधर देखो इधर देखो ये दे इधर देखो हाँ सब भाई बहन इधर देखो एग्जाम्पल नंबर टू मान लो मेरा एक्सपेक्टेड रेंट घर का 520 है मिस गवर्नमेंट को एक्सपेक्टेशन है 520 तो रेंट होना चाहिए अब मैं रेंट पर मंथ कितना लेता हूं है? सिर्फ बीस हजार रुपया रेंट पर मंथ कितना बीस हजार और इस घर में वैकेंसी है मान लो दो महीने की अब मुझे एक बात बताओ यहां पे आप समझो एक्सपेक्टेड रेंट कितना होगा 520 हां एक्चुअल रेंट कितना होगा 20000 हजार मल्टीप्लाई बाय दस दो लाख हां एंड बेटा वैकेंसी रेंट कितना होगा 40000 हजार जब हमने उससे पूछा क्या देखा एक्सपेक्टेड रेंट तेरा 520 है हमारा एक्चुअल रेंट कितना बता रहा है दो लाख तो हम तो इसको जीएवी बनाएंगे असेसी बोलता है सर वैकेंसी है ना असेसी बोलता है कि वैकेंसी है गवर्नमेंट बोलती है कि एक बात बता तू कर रहा है तो बोले कैसे कि चल तेरी वैकेंसी को भी कंसिडर कर लेते हैं कि घर खाली भी ना रहता तो तेरा एक्चुअल रेंट कितना होता 240 होता और यहां एक्सपेक्टेड कितना है 520 इसका मतलब तू कुछ ना कुछ चीटिंग कर रहा है पैसा कैश में ले रहा है ऐसा हो सकता है ना क्योंकि एक्चुअल रेंट तू सिर्फ 2 लाख ,00 बता रहा है चल वैकेंसी तू बोलता है वैकेंसी है वैकेंसी है वैकेंसी नहीं भी होती तो तेरा एक्चुअल रेंट कितना आता रे 240 आता मतलब बांडिया यहां पे तू जो है वो तू कैश में पैसा ले रहा है तू चीटिंग कर रहा है तेरा यहां पे एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड से कम है इसके पीछे सिर्फ वैकेंसी जिम्मेदार नहीं है तेरी हरकतें जिम्मेदार है तू यहां पे कुछ ना कुछ पैसा अच्छा सा कैश में ले रहा होगा तो हम तुझे यहां पे माफ नहीं करेंगे हम क्या करेंगे कि जो तेरा एक्सपेक्टेड रेंट है उसी को क्या बनाएंगे जीए। क्या बनाएंगे जीए। तो देखो मैंने क्या बोला जब भी वैकेंसी होता है तो पहली चीज आपको एक्सपेक्टेड और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा आपको देखना पड़ेगा क्या वैकेंसी है तो क्या एक्चुअल रेंट और वैकेंसी रेंट मिलके क्या एक्सपेक्टेड से ज्यादा है या नहीं अगर एक्सपेक्टेड से ज्यादा है तो तो एक्चुअल रेंट को जीएवी बना दो बट अगर एक्सपेक्टेड ज्यादा है तो आप एक काम करिए एक्सपेक्टेड को क्या बना दो जी। तीसरा एक और लास्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लो आपके घर का एक्सपेक्टेड वो फिफ्टी थाउजेंड है और यहां पे वैकेंसी है वो मान लो तीन महीने का है अब मुझे बताओ एक्सपेक्टेड रेंट कितना है सिक्स लाख हाँ, फैजान भाई एक्चुअल रेंट कितना आएगा फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड और वैकेंसी रेंट कितना आएगा तो मैं बोलूं यहाँ पे तो सेम हो गया यहाँ पर तो इक्वल हो गया तो इक्वल आएगा तो क्या करेंगे मैंने यहां लिखा था कि एक्चुअल रेंट एंड वैकेंसी रेंट अगर मोर देन इक्वल टू हो जाते हैं एक्सपेक्टेड रेंट के तो आपको क्या करने का एक्चुअल रेंट को क्या बनाने का जीएवी क्या बनाने का जीएवी तो यहां पे आपका ये क्या बनेगा जीएवी यू गॉट माई पॉइंट और नॉट आपको जो बोर्ड पे पहले दिख रहा है इसको कॉपी करिए हाँ बताता तो, हूँ आगे आएगा वो कि अगर प्रॉपर्टी पूरे साल ही खाली पड़ी है तो क्या होगा मैं बताऊंगा हां हां एक महीने भाड़े पे दिया तो भी ये कॉन्सेप्ट लगेगा बट वैकेंसी मैं आप खुद नहीं रह रहे हो ऐसा नहीं होना चाहिए चलेगा ये कॉन्सेप्ट लगेगा हाँ क्या करोगे स्कैम दिखा दो तो ग्यारह महीने वैकेंट क्या करोगे वैकेंट दिखा के तो तुम क्या करोगे ग्यारह महीने ऐसे खाली पिटा रहने दोगे क्यों क्यों लेकिन भाड़े भाड़े पे पे दे सकते हो भाड़े पे दो ना और तो एक बात बताओ इनकम में से टैक्स भरना पड़ेगा ना भाड़े पे दो ना क्या फर्क पड़ता है इनकम तो आएगी आप खुद रह रहे हो तो वैकेंसी नहीं है अगर खुद उसमें पड़े हो तो वैकेंसी है ही नहीं वो हाँ ऐसा बोलने से थोड़ी होता है बैंक में रेंट आ रहा होगा ना कैश में कर लो फिर कर लो फिर तो आप कर लो Yes पीपल बोलते आवाज नहीं आ रही मैंने कुछ बोला ही नहीं तो आवाज क्यों आएगी ऑनलाइन वाले बच्चों ऑनलाइन वाले बच्चों मैंने कुछ बोला ही नहीं तो आवाज क्यों ही आएगी कल तुम्हारी छुट्टी यहां मंडे को मिलेंगे फिर हाँ मनदीप 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 अभी चावला भारत सिंह भारत सिंह या भरत सिंह हां यार आईपैड की चार्जिंग भी कम हो रही है धीरे 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 चलो भाई अब एक बात समझना चलो बोलो डान हो गया हो तो बोलो डान कितने लोग स्टिल डूइंग रेज योर हैंड तुम लोग इतना धीरे कैसे करते हो यार जल्दी जल्दी कंप्लीट करो समृद्धि समृद्धि विल गिव यू वन सॉफ्टवेयर जिस पे हम डिस्कस करेंगे ठीक है एज वेल एज एक टेलीग्राम ग्रुप भी है चलो अब आप इधर आ जाओ प्लीज चलिए हेडिंग दीजिए कॉन्सेप्ट ऑफ वैकेंसी के बाद हेडिंग दीजिए पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी पार्टली लेट प्रॉपर्टी ब्रैकेट में लिखिए एरिया वाइज पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी एरिया वाइज समृद्धि पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी एरिया वाइज प्रभाव प्रभाव आएगा हाँ ओमकार तो भी एक्चुअल रेंट लेंगे वहां पे। चलिए पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी एरिया वाइज एक बात बताओ कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि जैसे मान लो ये एक घर है ये एक घर है और इस घर में दो फ्लोर है एक तो ग्राउंड फ्लोर और एक फर्स्ट फ्लोर वेरी गुड ये लेवल का नॉलेज वो इंटरेस्ट कैलकुलेशन में नहीं आता एक ग्राउंड फ्लोर है एक फर्स्ट फ्लोर है ठीक है आपने ऐसा देखा होगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि ग्राउंड फ्लोर पे आप खुद रहते हो ऐसा देखा कि नहीं देखा सेल्फ ऑक्यूपाइड होती है ये इस पे आप खुद रहते हो और फर्स्ट फ्लोर है उसको आपने लेटआउट कर रखा है क्या कर रखा है लेट आउट आपने देखा कि नहीं देखा ऐसा होता ना तो सर इसमें क्या करें फिर अगर ऐसा हो गया कि पार्टली लेट आउट है एंड पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड या फिर जैसे आप पुणे में मान लो किसी के घर पे अभी रह रहे होंगे घर के ठीक है किसी के घर पे रह रहे हो किसी अंकल के घर पे तो वो अंकल ने क्या किया मान लो उसमें से एक रूम आपको लेट आउट कर रखा है और बाकी घर में वो अंकल खुद ही रह रहे हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखा है तो क्या करेंगे तो यहां पे लॉ मेकर्स बोलते हैं कि अगर कोई ऐसा हो जाए कि तुम्हारी कोई प्रॉपर्टी है घर एक ही है लेकिन उसका कुछ एरिया आपने लेटआउट किया कुछ एरिया सेल्फ ऑक्युपाइड है तो आप एक काम करो उसको दो प्रॉपर्टी मान लो और जो लेट आउट वाला एरिया है ना उसको मानो लेट आउट प्रॉपर्टी और जो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला एरिया है उसको क्या मानो एसओपी और बेटा जो म्युनिसिपल वैल्यू है जो फेयर रेंट है जो स्टैंडर्ड रेंट है जो म्युनिसिपल टैक्सेस है जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो इन दोनों में डिवाइड होगा म्यूनिसिपल वैल्यू रेंट स्टैंडर्ड रेंट म्यूनिसिपल टैक्सेस इंटरेस्ट ऑन लोन वो एलओपी और एसओपी में डिवाइड होगा ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो ऑफ द एरिया बेसिस मतलब जितना एरिया लेट आउट है उस एरिया में डिवाइड करो एसओपी में डिवाइड करो लेकिन एक चीज कभी भी डिवाइड नहीं करनी है क्या कोई बता सकता एक चीज कभी भी डिवाइड नहीं करोगे क्या एक्चुअल रेंट क्यों? क्योंकि एक्चुअल रेंट हमेशा कौन से पोर्शन का दे रखा होगा एलओपी किसका दे रखा होगा एलओपी? तो जब भी अगर आपकी प्रॉपर्टी है उसका कुछ एरिया सेल्फ ऑक्युपाइड है कुछ एरिया लेटआउट है तो पहले आप एक काम करो कि उसको दो प्रॉपर्टी बता दो जो भी तुम्हारा लेटआउट वाला एरिया है और सेल्फ ऑक्युपाइड वाला एरिया म्यूनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट स्टैंडर्ड रेंट म्यूनिसिपल टैक्सेस इंटरेस्ट ऑन लोन को आप दोनों में डिवाइड कर दो एरिया बेसिस पे लेकिन एक्चुअल रेंट को आप कभी भी डिवाइड नहीं करोगे क्योंकि वो हमेशा किसके लिए रहेगा हमेशा लेट आउट पोर्शन के लिए रहेगा लिखो हेडिंग दिया आपने पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी एरिया वाइज इसमें लिखिए इफ सम एरिया ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इफ सम एरिया

लेट पोर्शन देन लेट आउट पोर्शन इज ट्रीटेड एज एलओपी, देन लेट आउट पोर्शन इज ट्रीटेड एज एलओपी, ओपी लेट आउट पोर्शन इज ट्रीटेड एज एलओपी एंड सेल्फ ऑक्युपाइड पोर्शन

municipal value comma fair rent in this case municipal value comma fair rent fair rent comma standard rent comma standard rent comma municipal taxes comma municipal taxes कौमा इंटरेस्ट ऑन लोन कौ इंटरेस्ट ऑन लोन शुड बी डिवाइडेड बिटवीन एसओपी शुड बी डिवाइडेड बिटवीन एसओपी एंड एलओपी एसओपी एंड एलओपी ऑन एरिया बेसिस ऑन एरिया बेसिस ऑन एरिया बेसिस फुल स्टॉप एक्चुअल रेंट नेवर बी डिवाइडेड एक्चुअल रेंट एक्चुअल रेंट नेवर बी डिवाइडेड बिकॉज इट इज ऑलवेज फॉर एलओपी बिकॉज इट इज ऑलवेज फोर एलओपी इट इज ऑलवेज फॉर एल ओ पी एक बात बताओ इंटरेस्ट को जब आप डिवाइड करोगे इंटरेस्ट ऑन लोन इंटरेस्ट ऑन लोन को जब आप डिवाइड करोगे तो मुझे एक बात बताओ ये जो इंटरेस्ट होगा ये इंटरेस्ट दो पार्ट में डिवाइड होगा एक तो एलओपी में और एक एसओपी में अब एक बात बताओ एलओपी वाला इंटरेस्ट है वो पूरा अलाउ हो जाएगा हा फुल इंटरेस्ट अलाउड लेकिन बाबू जो एसओपी वाला होगा वो कितना अलाउ होगा मैक्सिमम थर्टी थाउजेंड और मैक्सिमम थर्टी थाउजेंड और टू लैख अलाउड इसको कॉपी करो और कॉपी करने के बाद इसको कॉपी करो मनदीप अभी तुम अपना क्वेश्चन टाइप करके भेज दो दीपक तुम्हारा मैसेज आ रहा है ये कॉपी करने के बाद क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व देखोगे आप लोग ये कॉपी करने के बाद क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व रीड करिए क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व देखेंगे मनदीप हाँ प्रगति तुम्हारा टेक्स्ट दिख रहा है नताशा एक्सपेक्टेड रेंट किसी ने बोला एक्सपेक्टेड रेंट डिवाइड होगा क्या अरे देख एक्चुअल रेंट हो गया है फेयर रेंट हो गया है और स्टैंडर्ड रेंट हो गया तो अल्टीमेटली इफेक्टिवली एक्सपेक्टेड भी डिवाइड हो गया ना हाँ एक बात बता आठ को और चार दोनों मिला के बारह होता है तो या तो बारह को डिवाइड करो या आठ चार को एसओपी में तो आता ही नहीं ना हाँ मिश्रा बी एस सी वाला पॉइंट छोड़ दे अभी यश शर्मा सर डिवाइड वाला रूल दोबारा बता दीजिए अभी बताते हैं इस क्वेश्चन के साथ में आपको वैकेंसी वाला भी क्वेश्चन करेंगे एक और हा अर्पित क्वेश्चन नंबर कौन सा बोला मैंने मनप्रीत या मनदीप करके कौन था बंदा मनोज कुमार अच्छा बुक नहीं है कोई बात नहीं क्वेश्चन दिखा रहा हूं मैं यस यस अंजलि आपको टेलीग्राम ग्रुप कौन सा है उसका आपको मेल आएगा करके ठीक है चलो मैं क्वेश्चन शो कर रहा हूं आपको मैं यूट्यूब के कमेंट चेक नहीं कर पाता हूं ठीक है तो आप इधर देख लेना YouTube पे आजकल और आएगा बस उसके बाद नहीं आएगा ठीक है चलो क्वेश्चन कौन सा बोला मैंने ट्वेल्व आ जाइए प्रेम प्रेम मिस्टर प्रेम प्रेम में पड़े हुए लोगों जागो प्रेम प्रेम, प्रेम। मनदीप सर सेंट क्या बोला यार मंदीप है ना बहुत सारे डाउट आते हैं, चले जाते तू थोड़ी देर में पोस्ट कर लेना चीज तो मैं बताऊं इंटरमीडिएट वाले बच्चों तुम्हारे जितने डाउट तुम सोच सकते हो ना वो सब आएंगे अभी ऐसे पार्टली हम एरिया वाइज देख रहे हैं आपके दिमाग में आया होगा पार्टली एरिया वाइज तो ठीक है अगर टाइम वाइज ऐसा होता तो सात महीने भाड़े पे दिया घर और पांच महीने खुदी पड़े हैं तो आएगा ना डाउट तो ये एक घर में दो दो ओनर है तो ठीक है तो ऐसा बहुत सारे डाउट अभी आने बाकी है तो रुक जाओ थोड़ा जैसे जैसे चल रहा है होले होले चल लेने दो ठीक है होले होले हो जाएगा प्यार आकांक्षा को ये लग रहा है सब मेरे पे गाने गा रहे हैं <laughs> अरे आकांक्षा बोले भाई इतना पाप लगेगा ना तुझे देख लेना आकांक्षा मन में इतनी गालियां दे रही हूँ देखना तू तो विधवा होगा करके ठीक है मेरे प्यार के बीच में प्रेम ए चलो प्रेम ओन्स हाउस प्रॉपर्टी इन मद्रास मद्रास में उसकी घर है ड्य प्रीवियस ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर टू थर्ड ऑफ द पोर्सन ऑफ द हाउस वॉज सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड वन थर्ड पोर्सन वॉज लेट आउट फॉर द रेसिडेंशियल है म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी आपको थ्री लैख दे रखा है पूरी प्रॉपर्टी का फेयर रेंट टू लैख सेवेंटी थाउजेंड दे रखा है स्टैंडर्ड रेंट थ्री लैख थर्टी थाउजेंड दे रखा है

तो जो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी में जो दो लाख का इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलता है वो नहीं मिलता अगर आप वन वन फाइव बीएससी लेते हो तो वो मैं बाद में धीरे धीरे कराऊंगा जैसे ही हाउस प्रॉपर्टी कंप्लीट होगा फिर मैं वो दो पेज छोड़ के वहां लिखवाऊंगा कि लिया तो ये बेनिफिट नहीं मिलेंगे करके ठीक है चलो तो इसमें एक बात बताओ बंदे का नाम है प्रेम तो चलो साथ, -साथ में क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व पेज नंबर फोर्टी फाइव बंदे का नाम लिखो मिस्टर प्रेम मिस्टर प्रेम प्रीवियस ईयर तेबिस चौबीस असेसमेंट ईयर चौबीस पच्चीस लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूटिशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दो कॉलम बनाओगे क्योंकि एक एसओपी और एल ओपी काफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दो कॉलम बनाइएसओपी में तो ऐसे भी डैश डे आता है हर जगह सिर्फ आपका इंटरेस्ट आता है तो यहां पे आपका एसओपी का एरिया कितना है एसओपी का एरिया टू थर्ड है और एलओपी का कितना है वन थर्ड है लिखिए म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट स्टैंडर्ड रेंट म्युनिसपल टैक्सेस, एक्चुअल रेंट जो आता है वो सब लिखिए जो जो आता है वो लिखिए मैं तो देखो मेरे पास तो सुपर पावर है मेरे पास तो सुपर पावर है करके ठीक है मैं तो एक क्लिक में यहां पे लिख लूंगा तुम्हारे में ताकत है तो तुम भी लिख लो मैं तो देखो ये ऐसा करूंगा ये आ गया चलो सुपर पावर पंकज का आंसर भी आ गया है वाओ पंकज बहुत आगे जाएगा बेटा हम्म नहीं नहीं ऐसे ही पता नहीं आया नहीं आया गलत सही आया है <coughs> क्या मैं गाना ओके okay. चलो तुम एक कॉपी करो मैंने पूछा चांद से के देखा है कहीं मेरे यार सा हसी चांद ने कहा चांदनी की कसम नहीं नहीं नहीं। ये इतनी गंदी आवाज है अगर तुमने तुम्हारी शादी के दिन ऐसी आवाज निकाली उसी दिन डाइवोर्स हो जाएगा तुम्हारी तो होगी ही नहीं क्या हुआ ह्या क्या क्या एलुमनी का डिडक्शन मिलेगा ऐसे एलुमनी देने के लिए होना भी चाहिए पैसा पहले और उसके पहले शादी भी होनी चाहिए फिर डाइवोर्स होगा फिर एलुमनी मिलेगी इनको चलो दिव्या तौबा तौबा तौबा। बोलता ऐसा ऐसा गाना गाते हो ये बंदा मुंबई आएगा मैं मुंबई से ही हूं बोलता तू मुंबई आएगा ठीक है ये बोलते आपकी शादी हो गई अब शादी हो गई क्या करे मैसेज रिया तुम्हारा मैसेज आ रहा है बेटा हाँ चलो अभी आपने आप, आपने कर, कर दिया क्या क्वेश्चन सोल्व ऐसा थोड़ी हुआ होगा चलो अपन करते हैं, कोई बात नहीं तुमने कर लिया वेरी गुड गलत नहीं सही करना था चलो एक बार देखते हैं हाँ नेगेटिव भी आंसर आ सकता है हाँ? एक बात बताओ तुम है ना हंसते हो पता है पाप तो लगेगा ये बोलते जो हूं बोलते हो ना ये मतलब एक अलग ही है ना तो छोटे बच्चों को ऐसा ही तो बोलते हैं तुम्हारे यहाँ नहीं बोलते छोटे बच्चों को ऐसा चॉकलेट देके चॉकलेट खा ले हा अच्छा छोटे बच्चे बोल नहीं पाते इसलिए चलो बेटा एसओपी के के केस में सार्थक डैश पे डैश सब सिर्फ एसओपी के के केस में एक ही चीज आता क्या इंटरेस्ट और एक बात बताओ इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दे रखा है इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दे रखा है बोलो ना वन लेख ट्वेंटी थाउजेंड अब एक बात बताओ वन ट्वेंटी दे रखा है तो इसको डिवाइड करो एसओपी और एलओपी में तो एसओपी में कितना जाएगा टू थर्ड एंड एलओपी में कितना जाएगा वन थर्ड कितना हुआ एटी थाउजेंड इधर एंड फोर्टी थाउजेंड इधर एटी थाउजेंड एंड फोर्टी थाउजेंड तो देखो एसओपी में हम ले लेते हैं एटी थाउजेंड एसओपी में ले लेते क्योंकि दो लाख तक की लिमिट होती है और SO, में तो कोई लिमिट ही नहीं है तो एसओपी का इनकम आया माइनस अस्सी कितना आया माइनस अस्सी अब अपन एलओपी का देखते हैं एलओपी वन थर्ड है देखो म्यूनिसिपल वैल्यू कितनी दे रखी है आपको अरे म्यूनिसिपल वैल्यू कितनी दे रखी है तो थ्री लैख डिवाइड बाय थ्री लैख को कौन से रेशियो में बांटोगे वन थर्ड में तो वन थर्ड कितना आता है वन आया ऐसे कैसा फेयर रेंट का वन थर्ड विच एवर इज हायर ऊपर लिखा हुआ एक लाख स्टैंडर्ड रेंट का वेरी गुड वेरी गुड, गुड। लोअर कम्स टू वन लैख एक्चुअल रेंट कितना है पर मंथ पर मंथ एट थाउजेंड मल्टीप्लाई बारह महीना वेरी गुड राइट आंसर उससे भी यही आएगा अपन तो क्या करते हायर लेंगे म्युनिसिपल yes. टैक्स तो कितना परसेंट है तो टेन परसेंट किसका लेंगे म्यूनिसिपल वैल्यू का भाई एसओपी में तो कुछ अलाउ नहीं होता तो एलओपी वाले का लेंगे टेन परसेंट तो इसका टेन परसेंट थाउजेंड तो बचा कितना नाइनटी थाउजेंड थर्टी परसेंट वेरी गुड बेटा कितना बचा फोर्टी थाउजेंड इंटरेस्ट टोटल कितना नेट कितना बचा ट्वेंटी तो ट्वेंटी थ्री थाउजेंड पॉजिटिव इनकम तो नेट हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आ गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी माइनस का लॉस आया फिफ्टी सेवन थाउजेंड वेरी गुड वेरी गुड बहुत आगे जाओगी बेटा इतनी आगे जाओगी ना कि सब लोग यही बोलेंगे आगे बढ़ो आगे बढ़ो <laughs> कॉपी करो सब लोग यस 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 कॉपी करो डैश पे डैश का मंदिर बोलता क्या मतलब है अब मैं क्या बताऊं तुझे डैश पे डैश मतलब डैश 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 सर मेरे मैसेज आ रहे हैं yes, यस आ रहे सबके मैसेज आ रहे हैं जिन जिनको लगता है तुम्हारे मैसेज नहीं आ रहे सबके मैसेज आ रहे हैं ठीक है बट मैं रिप्लाई तभी करता हूँ जब मुझे लगता है रिप्लाई करना चाहिए क्योंकि मैं देख नहीं पाता इतने मतलब कितने आठ सौ बच्चे तो ऑनलाइन रहते हैं पांच सौ बच्चे यूट्यूब पे और रहते हैं यहाँ प्री कंस्ट्रक्शन नहीं है ना बाबू यहां तो जब लोन लिया उसी टाइम कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया होगा अभी देते हैं तुमको क्वेश्चन भाई साहब आज बंदी फॉर्म में आ चुकी है बोलते अब बताओ कौन सा क्वेश्चन मैंने आज गलत आंसर कैसे कर दिया क्वेश्चन नंबर एट हो गया था क्या एट क्वेश्चन नंबर एट हुआ था क्या तो क्वेश्चन नंबर एट पे आ जाओ क्वेश्चन नंबर एट पे आओ क्वेश्चन नंबर एट पे आओ क्वेश्चन नंबर एट पे आओ वैभव आपको भी कंपाइलर दे दो यस yes, मैं कंपाइलर दे दूंगा आज मैं एक पीडीएफ दे देता हूं आपको जो टॉपिक का हाउस प्रॉपर्टी का एटलीस्ट हाउस प्रॉपर्टी का आप पीडीएफ देता हूं आज क्वेश्चन नंबर एट की बात कर रहे हैं अपन चलिए क्वेश्चन नंबर एट पे आइए क्वेश्चन नंबर एट और देखिए क्वेश्चन नंबर एट क्या बोलता है देखिए मिस्टर गणेश हैज प्रॉपर्टी हुज म्युनिसिपल वैल्यूशन इज टू लैख फिफ्टी थाउजेंड पर एनम फेयर रेंट इज टू लैख एंड द स्टैंडर्ड रेंट फिक्स बाय द रेंट कंट्रोल एक्ट इज टू लैख टेन थाउजेंड द प्रॉपर्टी वॉज लेट आउट फॉर अ रेंट ऑफ ट्वेंटी थाउजेंड पर मंथ हाउ एवर द प्रॉपर्टी ऑन थर्टी फर्स्ट जनवरी दो हजार चौबीस घर खाली करके चला गया अनियलाइज रेंट ट्वेंटी थाउजेंड है उसमें से बीस हजार भाड़ा भी नहीं दे गया ऑल कंडीशन प्रिस्क्राइब बाय रूल फोर आर सेटिस्फाइड ही पेड द म्युनिसिपल टैक्सेस एट परसेंट ऑफ म्यूनिस्पल वैल्यूशन इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 65000 दे रखा है और आपसे बोला है इसकी इनकम निकालनी है इस क्वेश्चन में एक बात बताइए टेनेंट घर कब कौन सी डेट को खाली करके गया 31 जैन 2024 को इसका मतलब मैं बताऊं आपको दो महीने घर खाली पड़ा है क्योंकि जब कुछ नहीं दे रखा तो जनवरी एंड में वो चला गया तो इसका मतलब आपका फेब और मार्च जो है उसमें घर क्या पड़ा है खाली क्या पड़ा है खाली तो देखो तो जिन लोगों को इसका फोटो लेना है जो ऑनलाइन वाले जिनके पास में नहीं है तो आप फोटो लेके रखो इसका क्योंकि जब क्वेश्चन करेंगे तब मैं वो वाली साइड पे चला जाऊंगा तो देखो मैंने बताया गणेश एज अ प्रॉपर्टी म्यूनिसिपल वैल्यूशन दे रखा है फेयर रेंट दे रखा है स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है एक बात बताओ ये प्रॉपर्टी क्या है लेट आउट है सेल्फ ऑक्यूपाइड है या डीम टू बी लेट आउट है लेट आउट है ना भाड़े पे दे रखा है तो आउट प्रॉपर्टी है तो चलिए अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये पेज नंबर कौन सा है eight, 44. नाम क्या है मिस्टर गणेश महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लोगों के नाम गणेश होते हैं बताए विघ्नेश है? और गणेश और साउथ में भी बहुत होते चेन्नई में ना चेन्नई में सबके नाम जो है वो वेंकटेश वेंकटेश बहुत नाम है वेंकटेश इतने नाम है ना उधर वेंकटेश मतलब हर किसी का नाम हर्ष और अभिषेक अच्छा मिस्टर गणेश प्रीवियस ईयर तेबिस चौबीस भनवर एक ही है ये बोले आपका नाम रखा किसने के ठीक है मुझे नहीं पता ना सच्ची यार मैं मम्मी को बोला मैंने क्या मम्मी ये रखा सब तो बोले कितना तो अच्छा है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आगे आंसर क्या है नाइन्टी फाइव थाउजेंड देखते हैं सही है या नहीं कितनी आगे जाएगी बताते अभी ये बेचारी बोलती है मैं ऐसे ही बोली करके ठीक है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑनलाइन ए खजूर इधर देख हां पता नहीं किधर देख रहा है वो वो बिना नहा बैठा है करके ठीक है चलो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी एलओपी है लेट आउट प्रॉपर्टी है चलो मुझे बताइए सबसे पहले आपका म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट स्टैंडर्ड रेंट मेरे पास तो है जादू जादू तेरी नजर खुशबू क्या बोला तू हा कर या ना कर मेरी किरण हा? हाँ भाई चलो निरंजन पंडित निरंजन पंडित ध्रुव बोलता है मैं तो नहा के बैठा हूं निरंजन पंडित बोलता है मैं भी क्यों नहाने का जब घर से ही लेक्चर देख रहे हो तो तीन चार दिन में नहा सकते हो ना हाँ। चलिए ये क्लास नोट कहां पे मिलेंगे आपकी जो ड्राइव है दिव्या आप जो ड्राइव में लेक्चर देखते हो ना वहीं पे जो मैं ये लिखता हूं अपलोड होता है तो पिछले लेक्चर्स के हो चुके आपको मिल जाएंगे ठीक है फेस टू फेस वाले तुम भी ये लेक्चर को एक्सेस कर सकते हो ये नोट्स को हाँ चलिए अब एक बात बताओ इस क्वेश्चन में मुझे बताओ म्युनिसिपल वैल्यू कितना है टू लेख टू लैख फिफ्टी थाउजेंड इज योर म्यूनिसिपल वैल्यू एक बार आप रुक जाओ एक बार आप सब लोग रुक जाओ सब लोग वो बुक में क्वेश्चन देखो हाँ मित्तल डॉन मित्तल बोलता है मैं मित्तल डॉन हूं मैं करके ठीक है ऐसा ऑनलाइन वाला बच्चा बोल रहा है तो वैसा वहीं पे लिख सकता है यहां आके बोल फिर मैं डॉन हूं मैं म्यूनिसिपल वैल्यू कितना टू लैख फिफ्टी थाउजेंड है फेयर रेंट कितना है टू लैख टू लैख है टू लैख टेन थाउजेंड है एक बार अच्छे से देख ले एक बार अच्छे से देख ले म्यूनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट कितना है ऑनलाइन वाले बच्चों दो लाख हाँ हायर तो, कितना हुआ स्टैंडर्ड रेंट कितना है 2 लाख 1000 तो ये कितना हुआ 250 ओ 2 लाख 1000 मैं जानबूझ के कभी-कभी गलत लिखता हूं ठीक है जिससे पता चले तुम्हारा ध्यान है या नहीं अभी रुक जाओ अभी रुक जाओ सब लोग थांबा पेन अलग करो पेन मतलब पेन यहां रख लो ऐसे और अब इधर देखो देखो नॉर्मली हमने क्या पढ़ा हुआ है कि एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट इन दोनों में से जो हायर रहता है वो जीएवी बनाना है लेकिन बेटा अगर वैकेंसी है तो ये हायर वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा वैकेंसी है तो ये हायर वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा तो फिर क्या चलेगा तो वो अपन देखते हैं पहले हम एक बार एक्चुअल रेंट निकालते हैं तो एक्चुअल रेंट कैसे निकालते हैं तो नोट नंबर वन योर एक्चुअल रेंट इज इक्वल टू रेंट रिसीव्ड प्लस रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज रेंट एक बात बताओ आपने ये घर भाड़े पे कितने महीने के लिए दे रखा है दस महीने के लिए हाँ हाँ या ना क्योंकि जनवरी में खाली कर लिया जनवरी एंड में तो दस महीने के लिए भाड़े पे था तो मैं बोलू रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल आपका कितना आना चाहिए दस महीने का आना चाहिए और बीस हजार का रेंट है तो मैं बोलू आपको आना चाहिए वो दो लाख रेंट आना चाहिए और उसमें से अनरियलाइज रेंट बीस हजार है एक महीने का तो कुल मिला के आपका एक्चुअल रेंट कितना है एक्चुअल रेंट आपका 1 ,80 है तो जब एक्चुअल रेंट आपका वन लाख एटी थाउजेंड है तो मुझे एक बात बताओ यहां आपका एक्चुअल रेंट वन लाख एटी थाउजेंड अब हमने तो कॉन्सेप्ट ये पढ़ा हुआ है कि एक्सपेक्टेड और एक्चुअल एवर इज हायर होता है वो जीएबी बन जाता है लेकिन यहां वैकेंसी है क्या नहीं है है तो जब वैकेंसी है तो हम क्या देखते हैं जब भी वैकेंसी है तो हम क्या देखते हैं कि नोट नंबर टू और यहां पे वैकेंसी है तो वैकेंसी के केस में आपको देखने का एक्सपेक्टेड रेंट एक्चुअल रेंट प्लस वैकेंसी रेंट मुझे एक बात बताओ एक्सपेक्टेड रेंट कितना है इसमें दो लाख एक्चुअल रेंट कितना है एक लाख अस्सी हजार एक बात बताओ वैकेंसी रेंट दो वैकेंट है अगर वैकेंट ना होता तो कितना रेंट मिलता चालीस हजार तो मैं बोलू ये तुम्हारा कितना होगा चालीस हजार इसका मतलब एक बात बताओ एक्चुअल रेंट और वैकेंसी रेंट मिला के एक्सपेक्टेड से ज्यादा है यस और नो तो ये तुम्हारा एक्चुअल रेंट क्या बन जाएगा जी ये जो एक्चुअल रेंट है ये एक्चुअल रेंट क्या बन जाएगा जीएवी ये एक्चुअल रेंट तुम्हारा जीएवी बन जाएगा तो यहां पे जीएवी एक लाख अस्सी हजार होगा अब मुझे एक बात बताओ आपका म्यूनिसिपल टैक्सेस पे किया वो कितना परसेंट है कितना कितना परसेंट तो एट परसेंट म्यूनिसिपल टैक्सेस ले लो तो यहां पे आपने एट परसेंट म्युनिसिपल टैक्स ले लिया थाउजेंड तो आपका वन लैख सिक्सेंड आया 30 कितना होता है इंटरेस्ट कितना दे रखा है इसमें तो लेस कर दो कितना बचेगा छुटकी तुम्हारा आंसर तो गलत है फिर ओ नहीं आगे बहन है मेरी बहुत आगे बढ़ेगी वो ऐसा ही होता है ना चलो वन लाख एटी थाउजेंड कहा से आया देख यहां से आया ये एक्चुअल रेंट को जीएवी बना दिया और ये यह यहां से आया आदित्य मित्तल चलो एक बार वापस उसको रिवाइज कराऊंगा आप एक बार इसको कॉपी करो क्या हाँ नोट टू का रेफरेंस यहां देना पड़ेगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू में हाँ सृजन सृजन चलो हाँ भाई अरे बोलो डन जितना हुआ उसके हिसाब से बोलो डन चलो ए भाई प्लीज चलिए इस क्वेश्चन को एक बार वापस रिवाइज करा रहा हूं म्यूनिसिपल वैल्यू आपका 250 था फेयर रेंट टू लैक था विच एवर इज हायर 250 लिया ऑनलाइन वालों स्टैंडर्ड रेंट टू टेन था लोअर टू टेन आया यहां तक कोई दिक्कत नहीं है इसमें नया ये था कि एक्चुअल रेंट कैसे निकालना तो इन्होंने ये बोला हुआ है कि प्रॉपर्टी आपने भाड़े पे दी हुई है टिल थर्टी फर्स्ट जनवरी दो तो दस महीने के लिए भाड़े पे दे रखी है तो रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल आपका दस महीने का आएगा लाख इसमें से आपका के रेंट कितना है जो पैसा नहीं मिला तो अनरियलाइज रेंट है वो बीस हजार है तो बीस हजार को आप लेस कर दो आपका वन लैख एटी थाउजेंड है वो एक्चुअल रेंट आएगा इतना आपको एक्चुअल रेंट मिला अब एक बात बताओ ये 180 आया नॉर्मल केस में तो हम क्या करते हैं कि एक्सपेक्टेड और एक्चुअल रेंट दोनों में से जो हायर रहता है एक्सपेक्टेड और एक्चुअल रेंट दोनों में से हायर है उसको जीएवी बनाते हैं बट ऐसा वैकेंसी के केस में नहीं करना यहां वैकेंसी है आंसर इज यस तो हम देखेंगे कि क्या आपका एक्चुअल रेंट और वैकेंसी रेंट ये दोनों मिला के एक्चुअल रेंट एंड वैकेंसी रेंट क्या ये दोनों मिला के एक्सपेक्टेड से ज्यादा है कि आंसर यस तो यहां पे ये एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड से कम है इसका मेन रीजन वैकेंसी है मेन रीजन क्या है वैकेंसी तो बेटा वन लैख एटी थाउजेंड जो एक्चुअल रेंट है वो ही तुम्हारा क्या माना जाएगा जीएवी क्या माना जाएगा जीएवी तो यहां पे जीएवी मैंने वन एटी ले लिया म्युनिसिपल टैक्स पेड है वो म्युनिसिपल वैल्यू पे 8% लिया और स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% इंटरेस्ट ऑन लॉस 65000 तो हाउस प्रॉपर्टी का इनकम 47000 आ गया यू गॉट माय पॉइंट और नॉट यस संडे को तुम्हारा टेस्ट है ये संडे को परसों मतलब घर से ही देना है यहाँ आने की जरूरत नहीं है आपको एक पीडीएफ मिलेगी करके ठीक है मोस्टली आई विल पुट द एमसीक्यूज ओनली करके ठीक है कि जो हमने अभी तक पढ़ा है लास्ट के नौ लेक्चर में पूरा हाँ इजी वाला हाँ आपको मिल जाएगा आपके ड्राइव में या आप टेलीग्राम जो ग्रुप रहेगा उसमें मैं वी स्मार्ट वालों को भी दे दूंगा वो आपको दे देंगे ऑनलाइन वाले जितने भी लोग हैं ऑनलाइन वाले दिव्या एक बार देख के आना तो एक बार प्लीज देवेंद्र होमवर्क में यही है कल आपको पूरा रिवाइज करना है और संडे को टेस्ट देना है तो जितना पढ़ाया है लास्ट के आठ नौ दिन में वो पूरा रिवाइज कर दो संडे को फिर आप टेस्ट दे दो फिर मंडे से इसके आगे अपन पढ़ना चालू करेंगे ठीक है आदित्य नहीं है बाबू ऐसा ऐसा नहीं है एक बार तू थोड़ा साथ में चल हो जाएगा चलो बेटा आज के लिए इतना बहुत है कंटिन्यू करते अगले लेक्चर में Thank you